कहते किसी भी एग्जाम के लास्ट टाइम में जबरदस्त प्रिपरेशन की जरूरत होती है। मैं जानता हूं इंडियन नेवी का फाइनली एडमिट कार्ड बच्चों का आ चुका है और बिल्कुल 6 जुलाई से आप बिल्कुल प्रोजेक्टेड हैं अपने एग्जाम में अपीयर होने के लिए। मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के हर इंडियन नेवी एस्पिरेंट से, बिल्कुल मॉडल पेपर सीरीज हम आपके सामने लेके हाजिर हैं और बैक टू बैक ये मॉडल पेपर जब तक आपका एग्जाम है, दैट मीन 6 जुलाई के पहले तक बैक टू बैक हम आपके सामने मॉडल पेपर लेके आएंगे केवल एक उद्देश्य से कि मॉडल पेपर की प्रैक्टिस से आप अपने आत्मविश्वास को बेहतर कर पाए। और कहते ना लास्ट टाइम जो आपको चीजें मिलती हैं ये आपके लिए पैनासिया की तरह काम करती हैं, रामबाण की तरह काम करती हैं। और मेजर कलसी परिवार वो रामबाण लेके आया है, इंडियन नेवी का मॉडल पेपर जो आपके सामने अल्टरनेट डेज पे हम लगातार लेके आएंगे। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं मैं कि 1 जुलाई को बिल्कुल ऑफलाइन क्लास प्रोग्राम पूरी ऊर्जा और पूरे जोश के साथ हमने स्टार्ट कर दिया। पूरे देश का जितना भी नेवी का एस्पिरेंट है और उसके अंदर जज्बा है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का, तो आने वाले फॉर्म की भी तैयारी कर लो क्योंकि 2 जुलाई को इंडियन कोस्ट गार्ड और लास्ट जुलाई तक आपके सामने इंडियन नेवी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि दिस इज द टाइम टू गिव द बेस्ट और बेस्ट में है कि फटाफट डेली का डेली मॉडल पेपर प्रैक्टिस करो, कहीं से भी पढ़ाई करो, बट इस मॉडल पेपर को जरूर देखना क्योंकि आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा और निर्धारित करेगा। तो बिल्कुल तेजी के साथ लग जाइए एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मॉडल पेपर के साथ और एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम पे जो कि 1 जुलाई से आपके लिए स्टार्ट है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज मधु पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज और मैं आपके लिए आज नेवी का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर 2 लेकर आई हूँ। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं वो सभी क्वेश्चन जिसके आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। सो सी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन इफ ए इक्वल टू आपकी कुछ मैट्रिक्स दी है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पूछा है कि अगर ए ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो बताओ इनमें से क्या ट्रू होगा। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, ए इनवर्स इक्वल टू ए हो सकता है या ए क्यूब इक्वल टू ए हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर मैं ए स्क्वायर निकालना चाहूँ तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी, राइट। तो ए स्क्वायर निकालते हैं बच्चों। तो ए स्क्वायर मतलब ए का मल्टीप्लाई ए से करना पड़ेगा, तो आई शुड मल्टीप्लाई दिस 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 एंड देन आई नीड टू राइट इट अगेन सो दैट आई कैन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लीकेशन यू ऑल नो, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सो इफ आई मल्टीप्लाई व्हाट आई विल गेट इज 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है। सो इफ यू सी आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका i। तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, a स्क्वायर इक्वल टू a दिया हुआ था, लेकिन हमें ये पता है कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू i है दैट मींस दिस इज माय इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि a इनवर्स इक्वल टू a होता है, दैट मींस आपका ऑप्शन नंबर b यहां से करेक्ट हो जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो दिस प्रॉपर्टी की इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द आंसर। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x देन द वैल्यू ऑफ दिस, हमें dy बाय dx निकालना और y की हमें वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपकी दो चीजें यूज होने वाली है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सेकेंड इज डेरिवेटिव। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की बात करूं, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है x होता है। नाउ डिफरेंशिएट, जब आप डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा 1। आपको किस पे वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, पर यहाँ तो x है ही नहीं, तो आंसर कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट, इफ n p 2 इक्वल टू 30 देन द वैल्यू ऑफ n, बोला है कि अगर इस तरीके से दिया हुआ था n की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, np2 का फॉर्मूला पता है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। तो आप ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर आप क्या लिख सकते हो बच्चे कि ये आपका 6n प्लस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ से क्या बन जाता है n माइनस 6 एंड n प्लस 5 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गई बच्चे, एक आ गई एक आ गई प्लस 6 एक आ गई माइनस 5। तो माइनस 5 का आपका आंसर हो नहीं सकता, n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n पॉजिटिव होगा, दैट मींस n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 6 हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस इज, ये वर्टेक्स दिए हुए पैराबोला के, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें हमारा क्या फॉर्मूला था, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, ऐसा होता है।
तो जो हमारे वर्टेक्स होते हैं वो क्या होते हैं फिर, एच कॉमा के को हम वर्टेक्स कहते हैं। अब अगर आप यहाँ कंपेयर करो तो एच आपका कितना है 1 और के कितना है 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 1.3, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, उसके लिए कौन सी बात सही होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी कभी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? नहीं, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। लेस देन 0 नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। -1 से छोटी हो सकती है? जब नेगेटिव ही नहीं हो सकती तो इससे छोटी तो क्या ही होगी। तो आंसर क्या हो गया आपका, नन ऑफ दीज। होती क्या है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, ठीक है, 0 से बड़ी एंड 1 से छोटी और इसके बराबर भी हो सकती है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन होती है। अगला देखो, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा इज। मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से अगेन आपको क्या करना है, इसको सबको एक टर्म में अगर मैं कर लू, जैसे 60 डिग्री प्लस थीटा है, मैं उसको भी साइन की टर्म में लिखना चाहूँ, तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, 90 माइनस 30 डिग्री प्लस थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप इसको इस तरह लिखे तो साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर कितना आ गया 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आंसर ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 1.2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 3.4 एंड 4.5 इज। ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो इसके पैरेलल हो मतलब कि दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 - 4/4 - 3 दैट मींस 1.11। इसका मतलब उस लाइन का स्लोप भी 1 ही होगा। तो अगर मैं निकालूं y - y1 = mx - x1 होता है, तो आप यहाँ रख सकते हो y - y1 की जगह कितना है 2 एंड की जगह 1, x की जगह यहाँ पर ये हो जाएगा, तो y - 2 = x - 1। तो अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा y + 1 = 0। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सी दिस, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट दिस। हमें इसका वेक्टर प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो बच्चे वेक्टर प्रोडक्ट की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यहाँ पर, कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज नथिंग बट इक्वल टू a वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस b वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर। और ये आता कैसे है वो भी समझ लो, अगर मैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करूँ तो क्या हो जाएगा a वेक्टर इंटू a वेक्टर, ठीक है, माइनस में a वेक्टर b वेक्टर डॉट प्लस b वेक्टर a वेक्टर डॉट माइनस b वेक्टर इंटू b वेक्टर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि cos थीटा में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आपका ये बन गया एंड ये बन गया, दैट्स इट। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। ओके, अगला देखो, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मड बाय द पॉइंट 3.0 6.2 एंड 2.3। सेंट्रोइड बताना है क्या होगा, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है क्या सबको, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y आपका कितना होता है, y होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो अगर मैं यहां से x1 लिखूं तो 3 हो जाएगा, x2 6 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया 11/3। सिमिलरली अगर आप यहां लिखो तो 0 + 2 + 3 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा आपका 5/3। तो आंसर क्या हो गया आपका 11/none of these हो गया। आंसर क्या हो गया, नन ऑफ दिस, क्योंकि 11/5 एंड 5/3 दिया होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। अगला देखो, सी द नेक्स्ट, एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ई इज अ यूलर कांस्टेंट 2.718 इज। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, आप या तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं बट आपका आंसर थोड़ा सा मिसमैच आ सकता है, या आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या है, एरर अप्रोक्सीमेशन की चीज लगाई जा सकती है। तो एरर अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, कि आपका f f x plus delta x equal to क्या होता है fx plus f dash x into delta x, यही होता है फॉर्मूला। तो मुझे मान लिया, मैंने मान लिया कि मेरा जो fx है बच्चे वो कितना है अंडर रूट x है, ठीक है ना, अंडर रूट x, मुझे x पता होना चाहिए, तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज के आसपास की जिसका मुझे स्क्वायर पता है वो मैंने मान लिया कि 4 है
एंड तब डेल्टा एक्स कितना हो गया, 4 में से मैं क्या माइनस कर दूं ताकि ये आ जाए, 4 में से मैं क्या माइनस कर दूं ताकि ये आ जाए, 4 में से आप माइनस कर लो, सॉरी 4 में से क्या माइनस करो ताकि ये आए, तो 4 माइनस समथिंग इक्वल टू ये आना चाहिए मेरे पास, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 4 को माइनस करना है, तो क्या आएगा आंसर मुझे बताओ, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आना चाहिए, मैं 4 में से इसको माइनस करूं तो 10 माइनस 2 ठीक है, एंड 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 और 7 2, एंड यहाँ पर आपका कितना बचा था 3 माइनस 1, तो माइनस 1.28 बन गया, क्या माइनस 1.282 बन गया, तो ये मेरा क्या है डेल्टा एक्स है, ये मेरा कितना है डेल्टा एक्स है। अब अगर एफ एक्स इतना है तो एफ डैश एक्स कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन एंड रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा 0.2 रूट एक्स, जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर, तो आप यहाँ लिखोगे x की जगह कितना है आपका 4 एंड डेल्टा x की जगह कितना है 1.28 माइनस का, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास इसकी ही वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये फंक्शन है इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स कितना है बच्चे रूट एक्स है, प्लस में एफ डैश एक्स इज 1.2 रूट एक्स ठीक, एंड आपका डेल्टा x कितना है माइनस में 1.28, जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पर कितना आ गया अंडर रूट 4 प्लस 1.2 अंडर रूट 4 इनटू माइनस 1.282, तो आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.4, यहाँ पे आपका माइनस का साइन आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये मल्टीप्लाई 1.282, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 2 में से आपको कितना माइनस करना पड़ रहा है, 2 4 3 जा 12 4 2 जा 8 0 5, तो जब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है यहाँ पर 5 9 7 6.1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपका जो होता है स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में तुरंत नहीं सॉल्व करना होता, स्किप करके चलना होता है, सो दैट अगर आपका लास्ट में टाइम बचा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, पर आप अटेम्प्ट तभी करेंगे जब आपको इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे सॉल्व करने, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर नहीं करके जाते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, ऑल्दो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसके लिए बच्चे आपको टेस्ट प्रेप ऐप की जरूरत है, ठीक है। अब आपको ऐसी ऐप की जरूरत है जो आपको आपके एग्जाम के जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सके, सो एमकेसी जो है एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप आपको हर उस तरह के एग्जाम की प्रैक्टिस कराने के लिए मॉडल टेस्ट पेपर देती है जहां से आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड टेस्ट योरसेल्फ। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द वैल्यू ऑफ लिमिट मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, आपको एक यहाँ पर देखो किस तरह बताएंगे, हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 अपॉन ये दिया हुआ है, तो मैं अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन में, नीचे नीचे में आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड लिमिट कहां से कहां तक है x टेंड्स टू माइनस 1। अब अगर आप देखें तो यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, है ना, एंड नीचे आपका क्या हो सकता है सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो अगर आप यहां से अब इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा ये 2 x माइनस 2 बन जाएगा एंड x प्लस 1 बन जाएगा, नीचे आपका x माइनस 3 बन जाएगा एंड x प्लस 1 बन जाएगा, अब x प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर माइनस 1 रख देती हूँ मैं इसके अंदर, तो 2 इंटू माइनस 3 अपॉन में माइनस 4, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ से 3/2 आ गया, लेकिन 3/2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो गया नन ऑफ दीज हो गया। तो आप फैक्टराइजेशन का यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट से आपके फैक्टराइजेशन सब्स्टिट्यूशन एंड एल हॉस्पिटल रूल पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या है आपको इंटीग्रेशन बताना है ना, इसका इंटीग्रेशन करके बताना है, तो कैसे बताएंगे देखो, सी 1 minus sin 4x, ठीक आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 upon 1 minus sin square x, 1 plus sin square x लिख सकते हैं, a square minus b square का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये चीज है आपकी 1 minus sin square x, this is cos square x and 1 upon cos square x is sec square x, right? So I am writing the direct structure. Now see, now sin square x को आप और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं 10x की टर्म में लिखना चाहूँ sin square x को, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, sec square x अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का ये भी फॉर्मूला होता है नहीं पता है,
तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस टर्म को आप ऊपर ले जा सकते हो। तो अगर मैं इस टर्म को ऊपर ले जाऊं तो मेरा कितना बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1 plus t square dt upon 1 plus 2t square, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आई एम इरेजिंग दिस स्टेप, ये आपको समझ आ चुका होगा, आई एम इरेजिंग दिस स्टेप सीरीज। अब हम क्या कर सकते हैं, हियर अब आप लिख सकते हैं इसको 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड अगर करेंगे तो 2 plus 2t square upon 1 plus 2t square dt हो जाएगा, ओके। अब आप इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि 1 plus 1 plus 2t square upon 1 plus 2t square dt। Now 1 plus 2 integration of 1 plus 2t square dt plus 1 dt, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड दिस, अब देख लो, अब यहां से क्या करना है हमें, अब अगर आप देखें तो ये आपका क्या बन रहा है, 1 upon a square plus x square का फॉर्मूला। तो 1 upon a square plus x square किसके इक्वल होता है, 1 upon a tan inverse x upon a, तो कितना हो जाएगा, tan inverse x, x मतलब अंडर रूट 2t upon a मतलब 1, प्लस में यहां से आपका t आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। नाउ सी, t की जगह हमने कितना माना था, tan inverse, तो ये हो जाएगा आपका tan inverse अंडर रूट 2 tan x प्लस में tan x प्लस c। तो अगर आप देखें तो आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर c मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दीज आर ऑल्सो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस क्योंकि जितने 25 क्वेश्चन आते हैं 25 के 25 इजी नहीं होते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके हार्ड भी होते हैं जो कि टाइम लेते हैं, हार्ड इन द सेंस कि टाइम लेंगे, ठीक है। तो आपको पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन टाइम लेंगे और किन्हें आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करना है, पहले आगे बढ़ जाना है, जब आपका पेपर हो जाए तब इन क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। चलो अगला देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो जब भी हमारे पास इस तरह का फंक्शन दिया हो, a sin x plus b cos x, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका a कितना है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो अंडर रूट 5, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ से, If x equal to इतना and y equal to इतना, then dy by dx कितना होगा? तो x की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी दी हुई है, t, तो मुझे dy by dx बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, dx by dt निकाल लेते हैं, dx by dt निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2t। Similarly अगर आप dy by dt निकालो तो कितना आ जाएगा, dy by dt is 2t plus 1, ठीक है। अब क्या करना है, dy by dx निकालना है, मतलब dy by dt divide में dx by dt, ठीक है, dt से dt कैंसिल हो गया आपका, 2t plus 1 upon में 2t, ये कितना हो गया, dy by dx equal to आपका 2t upon 2t plus 1 upon 2, तो आंसर कितना आ गया, 1 plus 1 upon 2, सी ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है, ठीक। अगला देखो, the 1/15th term of the sequence, this, इस sequence की आपको 1/15th term बतानी है कौन सी होगी। तो आप देखो अगर ध्यान से इस sequence में क्या हो रहा है, पहले 1 आया, then 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार, ठीक है, एंड 4 आया 4 बार। तो मुझे 1/15 टर्म बतानी है कौन सी होगी। तो इसका मतलब मैं अगर सम कर लूं कि 1 आया 1 बार, 2 आया 2 बार, 3 आया 3 बार, 4 आया 4 बार, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सम चाहिए किसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू 150 चाहिए, ठीक है। कितने टाइम में, कितनी कौन सी वैल्यू पे ये जो है ये 150 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका सम निकाल लेते, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n n+1/2, ठीक है। 150 मतलब कि मुझे यहाँ पर ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको अल्टरनेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 300 आ पाओ। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किसका स्क्वायर 300 के आसपास है। तो 17 का स्क्वायर इसके आसपास है, तो 218 है, मतलब कि अगर मैं 17 × 18 कर दूं तो मेरा कितना आ रहा है, आप देखो ये आ गया मेरा 306 आ गया, ठीक है, 306 आ गया ये मेरा। नाउ
इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 153। मतलब कि 17 तक जो जा रहा है वो क्या है, 153 नंबर है। ठीक है, 17 तक जो जा रहा है वो 153 नंबर है। तो अगर मैं पीछे हूँ 150 नंबर पे हूँ तो कहाँ से शुरू हो रहा होगा, 17 से ही शुरू हो रहा होगा। तो इसका मतलब आपका 150th टर्म कौन सी होगी, 17th टर्म होगी। समझ आया? तो इस तरीके से इक्वेशन आपका कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ log 10 to equal to 0.3010 then log 2 10 equal to what? See, यहाँ आपकी log की वेरी बेसिक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो कि क्या है, log 2 10 पूछा हुआ है, log 2 10। तो अगर मैंने बेस और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 1 upon log 10 to। अब आप इसको डिवाइड करें 3010, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो यू विल गेट 3219। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिस विल करेक्ट। चलो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ट्राइंगल एबीसी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी देन ट्राइंगल विल बी। ट्राइंगल क्या होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ट्राइंगल की साइन और कोसाइन की दो प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई है। इस तरह साइन की प्रॉपर्टी आपको यहाँ यूज कर सकते हो। तो साइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि साइन ए मेरा कितना हो जाएगा ए के, साइन बी हो जाएगा मेरा बी के, एंड साइन सी कितना हो जाएगा सी के। नाउ पुट दिस वैल्यू ओवर देयर। तो साइन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर के स्क्वायर, साइन स्क्वायर भी बी स्क्वायर के स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अगर मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बन गया। ये क्या है भाई, ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रही है तो वो कहां पर लगती है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, समझे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछे गए थे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 7x + 1 = 0, then what is the value of 1 upon alpha + 1 upon beta? ठीक है, तो देखो ये बताना है मुझे, ये इक्वेशन दी हुई है मुझे बताना है 1 upon alpha + 1 upon beta। तो यहाँ से पहले लिख लो कि ये किसके इक्वल होता है, ये 1 alpha + beta upon alpha upon beta के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से दो चीजें पता कर लेनी है, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है -b/a तो 7/5, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a मतलब 1/5। तो ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, 7/5 / 1/5, तो आंसर कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। अगला देखो बच्चों, अगला क्या कहता है, नेक्स्ट इज देखो, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल दिस, इसकी रेडियस बतानी है। तो देख लो, सर्कल का आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए कि सर्कल की जनरल फॉर्म क्या कहती है। वो कहती है कि x² + y² + 2gx + 2fy - c = 0। ठीक है, ये होता है आपका x² + y² - 2gx - 2 sorry + 2gx + 2fy + c = 0। अगर ऐसी फॉर्म है तो आपकी जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r would be equal to g² + f² - c, ये होता है। अब अगर आप यहाँ से कंपेयर कर दो, g कितना है आपका बच्चे, g is -2 है ना, -2² + f कितना है, दिस इज -4² एंड c कितना है -45। ठीक है ना, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा 4 + 16 + 45, तो आंसर कितना हो गया 20 + this is √65। तो ऑप्शन नंबर c करेक्ट हो गया। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की, पैराबोला की, इलिप्स की एंड हाइपरबोला की। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, जनरल फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट इज जब भी आपका स्क्वायर रूट आएगा तो ये साइन विल रिमेन सेम, अगर यहाँ माइनस है तो वहां भी माइनस होगा, तो इसका मतलब ये जो प्लस वाले आंसर है ये तो है ही नहीं, बच गए ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आंसर बच गए। अब मुझे करना क्या होता है, इसका और इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर इज 16, 3 का स्क्वायर इज 9, माइनस करो कितना आ रहा है, 16 - 9 = 7।
पर यहाँ तो मुझे कितना दिया हुआ -7, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट तो ये होगा, पर चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 कितना आ रहा है, -7, इसका मतलब यही ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ये तो एक तरीका है आपका आंसर निकालने का, आप देख के तुरंत निकाल सकते हो, ये भी एक मेथड है, आप इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। और अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। फॉर्मूले से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला जाता है x = ± a + √a² + b² / 2 की पावर ½, ठीक है। तो a आपका कितना है बच्चे, a इज -7 प्लस अंडर रूट -7 का स्क्वायर इज 14 है, दिस इज 576 अपॉन में 2 raised to power ½। तो आप देखो कितना हो गया ±7 प्लस में 25/2, तो 25 में से अगर 7 जाएगा तो बचेगा 18, 18 डिवाइड बाय 2 इज 9, 9 की पावर ½ इज ±3, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, अगला जो होता है आपका y, y के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस अंडर रूट a² + b² - a/2 raised to power ½। तो सिमिलरली आप यहाँ कितना लिख सकते हो, प्लस माइनस दिस इज 25, दिस इज +7 डिवाइड बाय 2, तो 25 प्लस 7 इज 32, 32 डिवाइड बाय 2 इज 16, 16 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज 4, तो हो गया प्लस माइनस 4, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप और ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं या वो तरीका याद रख सकते हैं, दिस इज अप टू यू। अगला देखो बच्चों, If a equal to this, then which of the following is the power set of a? अगर a ये है तो इनमें से power set क्या होगा? Power set क्या होता है? जो भी subset बन सकते हैं, दिए हुए set में से जो भी subset बन सकता है वो power set कहलाता है। Possible number of possible subset. तो एक तो 5 का सबका ही subset होता है। दूसरा क्या होगा? a, then b, then a, comma b, ये बनेगा इसका power set। तो ये कहाँ पर आपका? D option में, तो ये आपका correct हो जाएगा, ठीक है ना? अगला देखो, अगला हमारे पास ये, Who is the coefficient of x raised to power 6 in the expansion this? इस expansion के अंदर x raised to power 6 का coefficient क्या होगा? तो देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपकी form, जो भी आपकी form दी होगी, चाहे आपको independent term पूछा हो, चाहे आपको coefficient पूछा हो, आप इस formula के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है ना? क्या है? आपको इस form में इसको observe करना है, ठीक है? इस form में आपने observe कर लिया। अब क्या है, इस फॉर्म में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद आर जो होता है बच्चे, होता है np - m / p+q, ये आर की वैल्यू होती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ से n क्या होता है, n पता चल जाएगा, p पता चल जाएगा, q पता चल जाएगा, m क्या है, m जिसका मुझे कोफिशियंट बताना है, x इज टू पावर 6 का बताना है, तो m मेरा 6 हो गया, n मेरा 6 हो गया, p मेरा कितना हो गया बच्चे 2, एंड q कितना हो गया 1 हो गया। पुट दिस वैल्यू, n इज 6 * 2 - m इज 6 / 2 + 1 That is 12 minus 6 is 6 divided by 3, मतलब 2 आ गया आपका, है ना? तो आपको t r plus 1 बोला होता है, इसका मतलब t 2 plus 1 निकालना है, r की वैल्यू आई है ना, r की वैल्यू 2 आई है। करना क्या है आपको, सिंपल, अब ये वाली टर्म ले लेनी है, n n कितना है 6 c 3 62, क्योंकि r की वैल्यू 2 आई है, 62 into 3 raised to power n minus r, 6 minus 2 is 4 into -1/3 raised to power r, that's it, ये आपका final answer हो जाएगा। तो 62 मतलब कि 6 into 5 divide by 2 into 3 raised to power 4 divide by 3 raised to power 2, solve it, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 2 3 6, तो आपका आ गया 5 into 3 raised to power 3, तो 27 into 5 3 135, तो आंसर कितना आ गया आपका, A would be your correct answer, ठीक है? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। Now see the next question. अगला, the mean of 13 observation is 14, mean of first 7 observation is 12, and mean of last 7 observation is 16. Then value of 7th observation. इस तरह के question भी आपके exam में बहुत बार पूछे गए हैं। और इसमें करना क्या होता है आपको? Simply देखो, इसके अंदर आपको सबसे पहले जो भी आपको 7 observation का mean दिया हुआ है 12, multiply कर दो। 7 observation का mean is 12. प्लस अगली 7 ऑब्जर्वेशन का मीन इज 16 माइनस टोटल ऑब्जर्वेशन का मीन, दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर, यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 7 × 28 - 13 × 14, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ से 14 कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा, 7 × 2 - 13, तो 14 × 1, तो आंसर आ गया 14, ठीक है। आप इसको सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, आई एम डूइंग बाय दिस, ताकि हमें मल्टीप्लीकेशन
ना करना पड़े. तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ से, 14 आ गया. चलो अगला क्वेश्चन देखो. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एस और क्वीन कार्ड. अगर एस और क्वीन कार्ड निकालना हो तो मुझे बताओ टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं, 52. उसको हम 13, 13, 13, 13 के चार पेयर में डिवाइड करते हैं. ठीक है, 52 को हम ब्लैक एंड रेड में डिवाइड करते हैं. ब्लैक आपके 13, 13 होते हैं, ये भी आपके 13, 13 होते हैं. हर किसी में एक रानी होती है, एक क्वीन होती है और एक एस होता है. ठीक है ना, तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास, 8. ठीक है, जो हमें जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी जहां से हमें चाहिए कार्ड. ठीक है, और टोटल वैसे कितने कार्ड हमारे पास, 52. तो 8 अपॉन 52 अगर आप देखें तो 4 2 8 4 1 3, तो 2 अपॉन 13 आपका करेक्ट आंसर हो गया. तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपका, बी करेक्ट हो गया. अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन. डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन की डोमेन बतानी है. तो अब डोमेन कैसे बताई जाएगी, ध्यान से समझो. मैंने मान लिया साइन इनवर्स एक्स ये प्लस 1 इक्वल टू बीटा, तो इसका मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया यहां से, साइन थीटा. अब साइन थीटा की डोमेन तो हमें पता है कि साइन थीटा जो है वो हमारा लेस देन 1, ये होती है डोमेन. ठीक है ना, मुझे यहाँ पर क्या बताना है, साइन थीटा की जगह कितना है मेरा 2x प्लस 1 है. ठीक है ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए. अब क्या करें, मुझे ये x अकेला चाहिए, तो मतलब मैं माइनस 1 कर दूं दोनों साइड माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा ये, मतलब माइनस 2 2x एंड 0. अब 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये आपका फाइनल आंसर आ गया. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, समझे. तो ये था हमारे 25 क्वेश्चंस का सेट. इस तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू, जय हिंद. बच्चों एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं नेवी का दूसरा मॉडल पेपर लेकर, इंग्लिश का. और बिना कोई भूमिका बनाए हुए, बिना कुछ बात किए हुए, बस जल्दी से आते हैं क्वेश्चंस पर. जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि एकदम हूबहू आपके एग्जाम के क्वेश्चन से मिलते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको मॉडल पेपर बोलते हैं. तो आइए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है. गिवन बिलो इज अ सेंटेंस विद 3 पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट एंड लिखे योर रिस्पांस इन द आंसर शीट अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर ए बी और सी. कहने का मतलब यह है कि आपको एक सेंटेंस दी जा रही है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उसके किसी एक पार्ट में एरर हो सकती है, अगर नहीं हो सकती है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है बी का. तो आइए देखते हैं वो सेंटेंस क्या है. वो सेंटेंस ये है कि इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड, ये हमारा पहला पार्ट हो गया. इफ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द मैनेजर टू कीप हिज माउथ शट, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, नो एरर का है. तो देखिए ये एरर जो ली गई है ये कंडीशनल सेंटेंस से ली गई है. कंडीशनल सेंटेंस में एक रूल है कि अगर हम कोई चीज इमेजिन करते हैं जहां पे इफ लगा देते हैं, उसमें ये होता है कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं किंग होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट आता है, इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हमेशा हम वर लेते हैं. तो बच्चों इसमें अगर एरर की बात की जाए तो एरर आपकी फर्स्ट पार्ट में है, जहां पर क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू. तो इस तरीके की अगर कोई भी सेंटेंस आपको मिलती है तो याद रखिए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जाना है, यहां पर हो जाएगा इफ आई वर यू. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्पॉटिंग एरर का है, और स्पॉटिंग एरर में क्या है, व्हेन वी शैल फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम वी शैल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट. देखिए जब आप सेंटेंस को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप, अगर आपको रूल्स पता है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सेंटेंस कहां से ली गई है. ये सेंटेंस जनरली कंडीशनल सेंटेंस की है. कंडीशनल सेंटेंस में एक रूल है कि हम डबल फ्यूचर का यूज कभी भी नहीं कर सकते एक सेंटेंस में. जैसे आप यहां पे देख रहे हैं शैल फाइंड है और दोबारा यहां पर शैल बी है, तो वी कांट यूज टू फ्यूचर. तो अब सवाल यह है कि किस फ्यूचर को हम हटाएंगे, जो फ्यूचर कंजंक्शन से शुरू होता है. फिर सुन लीजिए इसको, जो भी सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू होगी वो इफ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, बिफोर हो सकता है, एज सून एज हो सकता है, इसके बाद कभी भी हम फ्यूचर को नहीं लेते. तो यहां भी ए पार्ट में एरर है, और ये सेंटेंस होगी व्हेन वी फाइंड
शैल को हम हटा देंगे when we find, अब ये सेंटेंस आपकी करेक्ट हो जाएगी। फिर समझ लीजिए कि डबल फ्यूचर का यूज नहीं होता है, हम उस फ्यूचर को हटाते हैं जिसमें कंजंक्शन होती है, जैसे यहां पर वेल दी हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी स्पॉटिंग रन का है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड पर्सन माय फ्रेंड इज वुड हैव डिस्कार्डेड दिस फ्रेंडशिप। यहां भी कहानी वही है, एनी कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखिए वुड हैव यहां पर भी है और वुड हैव यहां पर भी है, किसी भी सेंटेंस में आप डबल वुड हैव का यूज नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि कौन सा वुड हैव आप हटाएंगे। अब देखिए वुड ये भी आपका कहीं ना कहीं फ्यूचर साउंड कर रहा है, तो हमने बताया कि जो कंजंक्शन से शुरू होगा यानी जो इफ से शुरू हो रहा है इसी पार्ट में एरर बनाएंगे, और यहां पर वुड हैव की जगह आप हैड ले लेंगे जैसे वहां पे आपने फाइंड लिया था। तो यहां पर भी जो एरर आपकी आ रही है वो किसमें आ रही है, फर्स्ट पार्ट में आ रही है। फिर समझेंगे डबल वुड का यूज एक सेंटेंस में नहीं करते हैं, तो हमेशा याद रखिए पहले वाले यानी जिसमें कंजंक्शन होती है उस वुड को हम लोग हटा देते हैं। तो ये एरर आपकी फर्स्ट पार्ट में हो गई, तो ये सेंटेंस आपकी बनेगी इफ आई हैड रियलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस आपकी इंप्रूवमेंट की, जैसा यहां पे लिखा है लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, बिलो द सेंटेंसेस आर थ्री पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट। देखिए कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस आपको मिलती है जो अंडरलाइन होती है और उस अंडरलाइन को इंप्रूव करना होता है, जिसके तीन पार्ट होते हैं ए बी और सी। अगर वो सेंटेंस सही है उसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं होती तो हमारे पास ऑप्शन होता है डी, लेकिन ऑप्शन हमें बताना होता है वो चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो। तो आइए देखते हैं, he had been taking rest in his room for 2 hours hadn't he been। देखिए ये सेंटेंस जो है आपकी क्वेश्चन टैग से ली गई है, जैसे यहां पे कहा जा रहा है he had been taking rest in his room for 2 hours। अब इसका क्वेश्चन टैग मांगा गया है, क्वेश्चन टैग यानी कि इसी को यहां पे अंडरलाइन करना था, ये पार्ट आपका समझ लीजिए अंडरलाइन है hadn't been, और इसी का हमें क्वेश्चन टैग ढूंढना है। तो देखिए एक चीज याद रखिए कि क्वेश्चन टैग में कभी भी हम been का यूज नहीं करते, यहीं से आप एरर को पकड़ सकते हैं। has been हो, have been हो, had been हो, will have been हो, सिर्फ आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, जैसे had been है तो had, has been है तो has, have been है तो have, will have been है तो will, और shall have been है तो shall। तो hadn't he been होगा ही नहीं, ये क्या होगा hadn't he हो जाएगा। तो ये आपका B ऑप्शन सही है यानी hadn't he। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन किया हुआ पार्ट को इंप्रूव करना है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अब देखिए इसमें प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, जब प्रेसिडेंट को आप ऑब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आनी है, तो इलेक्टेड में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता नहीं, प्रेसिडेंट को चुना जाता है, तो प्रेसिडेंट को चुना जाता है तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होती है वॉज। तो प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ असेंबली। तो यहां पर भी आपका जो ऑप्शन है वो बी, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए द गुड्स वर टू बी डिलीवर्ड, द गुड्स वर टू बी डिलीवर। देखिए ये पार्ट आपका अंडरलाइन है, ये मान लीजिए वहां पर कुछ मिस्टेक हो गई अंडरलाइन करने में, तो द गुड्स वर टू बी डिलीवर, वर टू सॉरी वर टू डिलीवर, तो इसी को इंप्रूव करना है द गुड्स वर टू डिलीवर। अब इसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, हमेशा याद रखिए कि जब टू कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाए, इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, या हैज आ जाए, हैव आ जाए, और उसके बाद अगर आप इंफिनिटिव लेते हैं तो टू के बाद बी लगाते हैं। अब देखते हैं कि बी कहां पर है, ये देखिए यानी वर ही रहेगा और वर के बाद हम बी लगाते हैं, तो वर टू बी डिलीवर्ड इज द राइट आंसर। तो इस हिसाब से सही क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन स्पॉट द मिस स्पेंट वर्ड, ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है नेवी में, मिस स्पेंट का। अच्छा मिस स्पेंट पहचानने का तरीका क्या, देखिए जब आप वर्ड पढ़ते हैं अगर वो स्मूथली से आपसे पढ़े जा रहे हैं, एकदम आसानी से आप उसको पढ़ ले रहे हैं,
तो समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं करेक्ट है, लेकिन अगर कुछ अटपटा सा लग रहा है तो ये आपका रॉन्ग होगा। आइए देखते हैं, जैसे सलेन है, देखिए आसानी से पढ़ ले रहे हैं, ये आपका करेक्ट है। फेस्टिविटी, ये भी आसानी से आप पढ़ ले रहे हैं। अगर आपको स्पेलिंग पता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ट्रिक मैंने बताया कि आसानी से, एकदम आसानी से, अगर वो जैसे फेस्टिविटी करेक्ट, बडिंग, बडिंग हम लोग अक्सर सुनते भी हैं, तो अब मिस स्पेल कौन सा, मैरीमेंट, मैरीमेंट जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, तो सही जवाब आपका क्या है, ए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आप पढ़ सकते हैं डायरेक्शन को, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें देनी है, इसलिए बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनानी है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन नेवी में आते हैं और लगभग चार क्वेश्चन होते हैं, तो ये चार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए देखते हैं, द हॉर्टिकल्चरिस्ट सेड दैट हनी डॉट डॉट वेन टेस्टेड। देखिए ये जो पार्ट है, द हॉर्टिकल्चरिस्ट सेड, यहां से सेड दैट, यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट कहता है कि हनी क्या होती है। अब देखिए हनी होती है ना कि होती थी, अगर मैं कहूं कि हनी मीठी होती थी, तो क्या आप मीठी नहीं होती, नहीं, हनी आज भी मीठी होती है, तो हनी इज स्वीट। देखिए यहां पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए। तो द हॉर्टिकल्चरिस्ट सेड दैट हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, यानी हनी मीठी होती है जब उसको चखा जाता है, हमेशा मीठी होती है ना कि होती थी, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, ना वॉज स्वीट आएगा, ना विल स्वीट आएगा, ना विल बी स्वीट आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए द लॉयर टोल्ड द पुलिस दैट द केस डॉट डॉट इन कोर्ट। अब यहां पे देखते हैं कि लॉयर टोल्ड द पुलिस दैट द केस डॉट डॉट इन कोर्ट, अगर आप इस पे एंडिंग भर रहे हैं तो यहां पे टोल्ड आया है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस अगर फर्स्ट पार्ट पास्ट में होता है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में ही जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। इस उसके बाद वॉज पेंडिंग, यस ये हो सकता है, क्योंकि यहां पर टोल्ड है, हैज ये भी प्रेजेंट है, ये भी आपका गलत हो गया, और हैव ये भी प्रेजेंट है, ये भी आपका गलत हो गया, तो सही जवाब क्या हुआ, वॉज। देखिए वेरी सिंपल कि इफ द फर्स्ट पार्ट इज इन द पास्ट, डेफिनेटली द सेकेंड पार्ट इज इन द पास्ट। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर फिलिंदा ब्लैंक्स है, मैंने बताया कि फिलिंदा ब्लैंक्स से क्वेश्चंस काफी कसरत के साथ आते हैं, तो द पैसेंजर्स फेल्ट, पैसेंजर्स फेल्ट डॉट डॉट जोल्ट एंड वोका। देखिए इसमें भरने का तरीका यह है, पैसेंजर ने क्या फेल्ट किया, भाई पैसेंजर ने जो फेल्ट किया वो कौन सी चीज थी, तो ये चीज आपकी क्या है, जनरली जोल्ट का मतलब झटका होता है, और ये आपकी है नाउ, तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, यानी नाउन इज क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। तो अब देखिए इसमें एडजेक्टिव ढूंढते हैं, सडनली आपका एडवर्ब है नहीं, विद सडन नो, सडन इज एन एडजेक्टिव, ये आपका सही है, और ऑल ऑफ सडन ये भी गलत है। तो देखिए वेरी सिंपल कि ये नाउन था, हमने यहां पे क्या भर दिया, एडजेक्टिव। आई होप कि इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए, I was not given dot dot gift on my birthday. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, एडजेक्टिव से भी लिया गया है, I was not given. अब यहां पे देखते हैं कि ये जो गिफ्ट है ये नाउन है, ये अब नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव, हालांकि इसमें सब एडजेक्टिव है, सम भी है, मेनी भी है, मच भी है, और एनी भी है। अब देखिए लॉजिक क्या है कि मेनी कई गिफ्ट के लिए आता है, जहां पे कई गिफ्ट है नहीं, तो ये नहीं हो, कट गया। मच आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है, जबकि गिफ्ट काउंटेबल है, तो ये भी कट गया। अब दो हमारे पास बचते हैं, या तो सम है या तो एनी है। सवाल ये है कि आप सम फिल करेंगे कि एनी फिल करेंगे। बहुत आसान तरीका है कि जब सेंटेंस निगेटिव हो तो कभी भी हम सम का यूज नहीं करते, और क्या करते हैं, एनी। कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव के साथ एनी और पॉजिटिव के साथ सम का यूज किया जाता है। आई होप यू हैव गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए चूज द चूज वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन गॉट बाय अ फ्यू। देखिए
ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यू आर गिवन अ सेंटेंस और यू हैव टू चूज अ सिंगल वर्ड फॉर इट। तो देखिए यहां पर देखते हैं, चूज वन वर्ड, और वन वर्ड किसके लिए चुनना है, गवर्न बाय अ फ्यू, यानी जो थोड़े लोगों का शासन होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मुट्ठी भर लोगों का शासन। अच्छा, मुट्ठी भर लोगों का शासन क्या होगा, एरिस्टोक्रेसी जो होता है वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखों का शासन होता है, क्या कहते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों का शासन होता है। ऑटोक्रेसी जो होती है वो कहीं ना कहीं एकदम निरंकुश शासन होता है, जिसमें निरंकुश होता है राजा, जैसे हिटलर का। और पेंडिसोक्रेसी और ओलिगार्की, देखिए यहां पर जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है मुट्ठी भर लोगों का शासन। तो देखिए आसानी से इसको हम लोग भर सकते हैं। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। देखिए एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स का भी रखा जाता है, उसमें एक या दो भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए विवेसियस, विवेसियस का मतलब होता है एकदम जीवन, जीवंत और जोश। अब जीवंत और जोश की अगर मीनिंग देखते हैं तो वेनम नहीं होता, वेनम का मतलब जहर होता है, सुपीरियर का मतलब अच्छा होता है, क्लियर का मतलब साफ होता है। तो लाइवली यानी जो एकदम जीवित है, जिंदा है, तो लाइवली आपका सिनोनिम्स है। और सारे मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यानी वेनम का मतलब जहर, सुपीरियर का मतलब अच्छा, क्लियर का मतलब साफ। अब बढ़ते हैं आगे, हु टॉट यू इंग्लिश, इसमें यू आपका जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे गलत हो गया। यू आपका सब्जेक्ट पढ़ा है, तो बाय हुम वाज यू टॉट, क्योंकि यू के साथ वाज नहीं आएगा, तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। और बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ये सही है, क्योंकि यहां पे यू के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे यू की बात करते हैं तो यहां पे वर आया हुआ है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ये, हु वाज यू, फिर यहां पर वही है, यू के साथ वाज नहीं आएगा, और हु वर यू टॉट इंग्लिश, हु तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे जो हु है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाय हुम यूज करते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड यानी बी, तो बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, कहने का मतलब यह है कि हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेंगे, यू के अकॉर्डिंग लेंगे, और फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नरेशन का भी ये क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें कह रहा है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड। अब नरेशन यानी अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो सेड टू को क्या करते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि टोल्ड कहां पर है, टोल्ड यहां पर है, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंड। अब देखिए ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम उसको एज इट इज रखते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद अगर बात करें ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, ये सही है क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद ही टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड, सॉरी ये गलत है क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है, हमेशा याद रखिए टोल के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो ये गलत है क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है। सही ऑप्शन आपका सी है, ही टोल्ड मी दैट, यानी ही टोल्ड मी, देखिए यहां पे कुछ भी नहीं है, तो द अर्थ इज राउंड एंड ही आस्क्ड मी, सेड को कभी आस्क्ड में नहीं बदलते जब ये सेंटेंस आपकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अर्थ इज राउंड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम चेंज नहीं करते, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, इज है, जबकि बी में सब सारी चीजें सही है, लेकिन टोल के बाद इन्होंने टू लगा दिया और टोल के बाद कभी टू नहीं आता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। कहने का मतलब यह है कि इसमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है, और मीनिंग अगर आपको नहीं आ रही है
तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अगर आ रही से कोलोसल है, कोलोसल का मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि उसका उल्टा बताना है आपको, इजी तो आसान हो गया, ये होगा नहीं, गलत। ग्रेसफुल शानदार होता है, ये भी नहीं होगा। रूफ का मतलब छत होता है, ये भी नहीं होगा। टिनी इसका उल्टा, यानी बड़ा और छोटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखिए डिफिसिट, इसका भी अपोजिट आपको देना है। डिफिसिट का मतलब होता है घाटा, तो अगर घाटा है उसका उल्टा क्या होगा, बढ़त होगी। तो प्लस यहां पर है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एडियर का मतलब होता है चिपकना, क्रेडिट आप जानते हैं, रिमूव का मतलब हटाना होता है, सरप्लस। सही जवाब क्या है, सी। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द सेम मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहां पर देखिए सिनोनिम्स की बात हो रही है, इसके पहले किसकी बात हुई थी, एंटोनिम्स की हुई थी, लेकिन अब क्या बात हो गई, सिनोनिम्स की। हॉस्टिल, हॉस्टिल एक वर्ड है, हॉस्टिल यानी विरोधी, एडजेक्टिव है और उसी से नाउन बना है हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी यानी विरोध, विरोध आपका कौन करेगा, जो आपका दुश्मन होगा, यानी जिससे आपकी दुश्मनी होगी। देखिए पहले ही ऑप्शन में देख सकते हैं एनिमिटी, हॉस्टिलिटी एंड एनिमिटी, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो सही जवाब क्या होगा, ए। इसके बाद सिंपैथी आप जानते ही हैं, दया, दया होती है, और गुडविल जो अच्छी विल लगता हो, या फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती। तो सही जवाब आपका क्या है, एनिमिटी है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का एनिमिटी। अब देखिए ये इडियम फ्रेज है, इडियम फ्रेज का भी एक क्वेश्चन आपके उसमें आता है, जैसे इडियम फ्रेज का यहां पर सही जोड़ा लगाना है, जो इसकी मीनिंग है वही इसकी भी मीनिंग होगी। तो देखिए पिक होल्स, पिक होल्स को अगर हम लोग समझते हैं, जैसे अगर इसके सेंस में जाते हैं तो होल्स का मतलब छेद होता है, पिक का मतलब यानी छेद ढूंढना। तो छेद ढूंढना क्या, मान लीजिए किसी के घर में आप बैठे हैं और इधर तो देख रहे हैं यार कहां पे छेद है। अब अगर आप देख रहे हो कहां पर छेद है, इसका मतलब क्या कि उस घर की कम, उस घर में कमी निकाल रहे हो भाई। अगर आप देखोगे कहां टूटा फूटा है, कहां छेद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप घर में कमी निकाल रहे हो। तो अब देखिए कमी निकालना, इसको मैंने आपको याद भी करा दिया, पिक होल्स का मतलब कमी निकालना, और यहां पर क्या हो गया, सी, टू फाइंड फॉल्ट। बाकी टू कट समवन पार्ट ऑफ एन आइटम, नो। टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, नो। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, नो। सही आंसर क्या है, टू फाइंड फॉल्ट। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैसेज है, जो कि 5 नंबर का आपका पैसेज आता है। पैसेज क्या होता है कि पैसेज को आपको पढ़ना होता है, पहले पैसेज को आपको पढ़ना होता है, उसके बाद उसी पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको आंसर करना होता है। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। समटाइम्स वी वेंट ऑफ द रोड एंड ऑन अ पैथ थ्रू द पाइन फॉरेस्ट, द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट वॉज सॉफ्ट टू वॉक ऑन, द फ्रॉस्ट डिड नॉट हैपन इट एज इट डिड द रोड, but we did not mind the hardness of the road because we had nails in the soles and heels, nails bit on the frozen ruts and with nailed boots it was good walking on the road and invigorating, it was lovely walking in the boots। देखिए हमें word to word translate करने की जरूरत नहीं होती है, जब भी आप passage पढ़ते हैं इसका सारांश निकाल लीजिए। सारांश क्या है, summary क्या है, कि कोई बंदा बता रहा है कि वो किसी फॉरेस्ट से, पाइन फॉरेस्ट यानी पाइन देवदार वृक्ष को कहते हैं, वहां से वो गुजर रहा था और उसने देखा द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट वाज सॉफ्ट, कि वो जो जंगल का जो जमीनी हिस्सा था वो बहुत ही मुलायम था चलने के लिए, द फ्रॉस्ट डिड नॉट हैपन इट, उस पर कोई भी बर्फ नहीं जमी थी, एंड इट डिड द रोड, और वहां से रोड निकल रही थी, बट वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ द, हाँ सॉरी, द फ्रॉस्ट डिड नॉट हैपन इट, उस जमीन पर नहीं थी लेकिन हाँ रोड पर थोड़ी सी बर्फ जमी हुई थी, बट वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ द रोड। अब ये कह रहे हैं कि हमें जो जो कड़ापन था रोड पर, जो सख्ती थी, हम उसको माइंड नहीं किए, क्यों, बिकॉज वी हैड नेल्स इन द सोल्स एंड हील्स, क्योंकि उनके जूतों में नुकीले कीले लगी हुई थी, नुकीली कीले लगी हुई थी। आप लोग देखते हैं जब क्रिकेट खेल, क्रिकेट में जो बॉलर होता है उसके जूतों के नीचे
कीले लगी हुई होती थी, इन्होंने जो ऐसे जूते पहन रखे थे तो इससे उनको उस पर चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और जो नेल्स थी बिट ऑन द फ्रोजन रट्स, और जो वो परतें जमी थी बर्फ की वो नेल उसको काट दे रही थी। एंड विद नेल्ड बूट, और उसी कीले लगी हुई जूतों के साथ, इट वॉज गुड वॉकिंग, बहुत अच्छी वॉकिंग हुई ऑन द रोड। एंड इनवाइग्रेटिंग, इनवाइग्रेटिंग का मतलब होता है कि जो बहुत ही ऊर्जा देने वाली, ये विगोरा से बना है जिसमें ऊर्जा ऊर्जा से रिलेटेड वर्ड है। इट वॉज लवली वॉकिंग इन द वुड्स। अब देखिए सारी चीजें आपको समझ में आ गई, और अंत में उसने कह दिया वही बहुत शानदार वॉकिंग थी। अब देखिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, वी फाउंड ग्रेट जॉय ऑन अकाउंट ऑफ, इनको क्वेश्चन क्या है कि इनको बहुत अच्छा जॉय मिला और क्यों मिला, इसका जवाब हमें देना। वियरिंग नेल बूट्स, नो, द गुड लॉन्ग वॉक ऑन द रोड, वॉकिंग ऑकेजनली थ्रू द फॉरेस्ट, वॉकिंग ऑन फ्रॉस्ट विद नेल बूट। तो देखिए यही आपका, ये जो बर्फ पर चल रहे थे नुकीले जूतों के साथ, ये जो बर्फ पर चल रहे थे नुकीले जूतों के साथ, डी ऑप्शन जो है आपका ये सही है, इसीलिए इनको खूब इंजॉय और खूब मजा आ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट वॉज सॉफ्ट बिकॉज, अब देखिए उसी में लिखा हुआ था कि फ्लोर जो है वो फॉरेस्ट की सॉफ्ट थी, क्योंकि द फॉरेस्ट डिड नॉट हार्डन इट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रीज, या द ट्रेवलर्स वर वियरिंग बूट्स, द शूज हैड नेल्स ऑन देयर सोल एंड हील, दे एंजॉयड वॉकिंग इन द बूट्स। अब आप खुद बता सकते हैं कि क्यों सॉफ्ट था, द फॉरेस्ट डिड नॉट हार्डन इट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रीज, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पेड़ थे तो जो ऊपर से बर्फ गिर रही थी वो जमीन पर नहीं आ रही थी, बात समझिएगा, जो ऊपर से बर्फ गिर रही थी वो जमीन पर नहीं आ रही थी, वो पेड़ों पर ही अटकी थी, लेकिन जो रोड था यानी रोड, रोड पर बर्फ जमी हुई थी क्योंकि रोड के ऊपर पेड़ होता नहीं है, तो इसीलिए सही जवाब क्या है, द फॉरेस्ट डिड नॉट हार्डन इट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रीज, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ रोड बिकॉज, अब देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई रोड में कड़ापन था, सख्ती थी, लेकिन मैंने उसको माइंड नहीं किया। माइंड क्यों नहीं किया, वी हैड नेल बूट्स ऑन, हमने क्या कहते हैं नेल वाले जूते पहने थे, इट वॉज गुड वॉकिंग ऑन द रोड, ये बहुत अच्छी वॉकिंग थी, द वॉक वॉज रेफ्रेशिंग, द नेल्स बिट ऑन द फ्रोजन रोड्स। देखिए सही जवाब ये है, दोनों में कंट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन द नेल्स बिट ऑन द फ्रोजन रोड्स, जो नेल थी वो क्या कर रही थी, देखिए वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ द रोड, हमने रोड्स की हार्डनेस को माइंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, वी हैड नेल्ड बूट्स ऑन, इट वॉज गुड वॉकिंग ऑन द रोड्स, द वॉक वॉज रिफ्रेशिंग, द नेल्स बिट ऑन द फ्रोजन रोड्स। देखिए सिंपल सी बात है कि उन्होंने क्या कहा, वी हैड नेल्ड बूट्स ऑन, कहने का मतलब यह है कि उनके पास जो जूते थे उसमें कीले लगी हुई थी, इसलिए उसके हार्डनेस उनको कोई मतलब नहीं था, तो सही जवाब क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रोजन रट्स रिफर्स टू, जो फ्रोजन रट्स वहां पर दिया गया है वो किस चीज को रिफर कर रही है, वेरी कोल्ड रोड्स, नो, पैथ कवर्ड विथ लीव्स एंड फीदर्स, द रोड कवर्ड विथ फ्रॉस्ट, हार्ड रोड्स कवर्ड विथ स्नो। देखिए सही जवाब आपका क्या है, फ्रोजन रट्स यानी जिसपे बर्फ जमी हुई थी, और बर्फ की बात किसमें की जा रही है, द रोड कवर्ड विद फ्रॉस्ट, यानी जो रोड फ्रॉस्ट, जिसपे फ्रॉस्ट जमी हुई थी, बर्फ जमी हुई थी, तो आपका सही ऑप्शन क्या है, सी। अब आगे बढ़ते हैं, और समटाइम्स वी वॉक्ड थ्रू द पाइन फॉरेस्ट एज, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, समटाइम्स वी वॉक्ड थ्रू द पाइन फॉरेस्ट एज, यानी कभी कभी हम लोग, जैसा उसमें पैसेज में दिया था कि पाइन फॉरेस्ट से गुजरते थे, द पैथ वॉज अनअफेक्टेड बाई द फ्रॉस्ट, इट वॉज गुड वॉकिंग विद नेल्स इन द बूट्स, द वॉक्स वॉज इनवाइग्रेटिंग, इट वॉज शियर जॉय टू वॉक इन द फॉरेस्ट। तो देखिए सही जवाब क्या है कि द पैथ वॉज अनअफेक्टेड बाई द फ्रॉस्ट, क्योंकि जब ये लोग उस रोड से गुजरते थे तो उसकी वजह यही थी कि जो पैथ था, जो रास्ता था, वो अनअफेक्टेड था।
पूरा पैसेज पढ़िए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि PQRS से लिया गया है, यानी आपको 6 सेंटेंसेस दी जाती है, फर्स्ट एंड लास्ट अपने जगह पर होती है, बीच के जो 4 सेंटेंस 4 होते हैं QPRS यानी PQRS वो इधर उधर होते हैं, उन्हीं को हमें जंबल करना होता है। ये यहां पर Q है। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। पहली सेंटेंस क्या है, द कोकोनट ट्री देयर फॉर, इसमें किसकी बात हो रही भाई, कोकोनट ट्री की बात हो रही। कोकोनट ट्री देयर फॉर, कोकोनट ट्री है सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें एक वर्ब की जरूरत है। देखिए सिंपल सा इसको करने का तरीका है कि इसमें वर्ब देखेंगे और वर्ब इसमें कहां है, क्यू में। तो द कोकोनट ट्रीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखिए क्यू कहां पर है, ए में है, और कहीं पर भी क्यू नहीं है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ केरला एंड ऑफ अदर लैंड इन साउदर्न एशिया। देखिए एकदम सही जा रहा है, एस आया, इसके बाद आर आएगा, वेयर कोकोनट्स ग्रो वेल। तो सिंपल सी बात है, सही जवाब आपका क्या होगा, ए होगा। तो ये था आपका 25 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको एक बार फिर पॉज करके या दोबारा चला के आप लोग देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना है। सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सत्यप्रकाश शर्मा इज हियर ऑन MKC यूट्यूब चैनल फॉर डिस्कसिंग द 25 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप। तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स के फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस जो आपका एयरफोर्स में सीट पक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने 25 क्वेश्चंस उठाए हैं, 25 क्वेश्चंस वी हैव टेकन फ्रॉम द एंटायर सिलेबस ऑफ द फिजिक्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 25 क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें से हमें फिजिक्स का जो इंडिविजुअल कट ऑफ होता है वो लगभग जाता है आपका 13 से 14 मार्क्स, ठीक है, मतलब 13 से 14 मार्क्स आपके सही सही होने चाहिए। तो अगर आपको अपनी सीट पक्की करनी है तो कम से कम आपको 17 से 18 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके जो 25 प्रश्न होते हैं हमारे, उसमें से 3 या 4 प्रश्न मोस्टली न्यूमेरिकल होते हैं, बाकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक नए जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और यहां जाता है हमारा पहला सवाल जो ये कहता है कि लंबाई की सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब कि जब हम फिजिक्स में या फिर मतलब किसी भी साइंस में, जनरल साइंस की भी अगर बात करते हैं, तो अगर हम किसी लंबाई को नापते हैं तो हमें सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो लंबाई की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है बच्चों, ये नॉलेज बेस्ड सवाल है और ये हमारे पहले चैप्टर का सवाल है। तो जो हमारा आंसर होता है बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि जो एक फर्मी होता है वो 10^-15 मीटर, मतलब कि 10^-15 मीटर के बराबर होता है। तो जो सबसे छोटा इकाई हो जाएगा इसमें वो है हमारा ऑप्शन डी। ऑलराइट बच्चों चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। ये है हमारा दूसरा सवाल, ठीक है। तो जो दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, यहां पर क्या है कि द एंगल बिटवीन पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी इज, द एंगल बिटवीन पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी इज। तो यहां पर जो है वो है हमारा पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी। तो इसके बीच में हमें क्या करना है कि एंगल निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों कि राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, हम P क्रॉस Q का डायरेक्शन निकालेंगे, फिर Q क्रॉस P का डायरेक्शन निकालेंगे, और उसके बाद जो हमारा एंगल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि देखो हमने इसको लिया P और हमने इसको लिया Q, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का कोण है थीटा,
तो हम पहले देखते हैं कि P क्रॉस Q का दिशा क्या होगा। तो इसके लिए जो हमारी चार उंगलियां होती हैं उसे हम मानते हैं पहला वेक्टर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रथम सदिश, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे के डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक। चलिए तो देखिए P हमारा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और हमें इन उंगलियों को किधर घुमाना है, Q की दिशा में। तो आप देखो ये थीटा को ऐसे पकड़ते हुए हम ऐसे घुमाना है, तो अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, कहां आ रहा है बच्चों, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, P क्रॉस Q। अब हम चलते हैं Q क्रॉस P के पास। तो जब Q क्रॉस P के पास चलेंगे तो अब हमारा क्या होगा कि Q के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है और P की तरफ कर्ल करना है, तो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो बच्चों देखो P क्रॉस Q बाहर आ रहा है और Q क्रॉस P अंदर जा रहा है, मतलब दोनों में कितना, 180 डिग्री। मतलब व्हाट इज द आंसर फॉर अस, द आंसर इज गोइंग टू बी सी, दैट इज पाई, बिकॉज 180 डिग्री इज व्हाट, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया बात, चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए जो अगला प्रश्न है हमारा, ये क्या कहता है कि एक कार आधे समय तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा शेष आधे समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि कुल तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। तो कभी कभी ऐसे प्रश्नों में क्या होता है बच्चों कि कुछ अनवांटेड डेटा दे दी जाती है, मतलब जिनका जरूरत नहीं है उनकी भी मतलब इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, सूचना दे दी जाती है। जैसे कि यहां पर हमें दूरी दी गई है कितनी, 60 किलोमीटर। कितनी दूरी दी गई है बच्चों, 60 किलोमीटर। तो ये जो 60 किलोमीटर की दूरी दी गई है तो इस प्रश्न में इस 60 किलोमीटर का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमें बस एक चीज ध्यान देना है कि क्या दे रखा है। तो देखो आधे समय में, आधे समय के लिए 80 किलोमीटर और बाकी आधे समय के लिए क्या है, 40 किलोमीटर। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों, जो औसत चाल मतलब वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा क्या, वी वन प्लस वी टू बाई टू। तो कितना हो गया ये हमारा, 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई टू, तो कितना हुआ, 120 डिवाइडेड बाई टू इज गोइंग टू बी 60 किलोमीटर पर आर। मतलब कि 80 प्लस 40 बड़ा दो करना है और यहां पर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी समय की बात करता है, आधे समय की बात करता है, तो जो मेरा सूत्र होगा वी वन प्लस वी टू बाई टू। अगर वो आधी आधी दूरी की बात करता है, बोलेगा कि आधी दूरी इतने से चली गई, बाकी आधी दूरी इतने से चली गई, तो इसका एक अलग सूत्र है, पुस्तक में दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यहां बोल रहा है कि किसी कण की गतिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी है, प्रक्षेपण कोण का मान होगा। चलिए तो इस प्रश्न को करने के लिए बच्चों हमें पहले क्या करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को सीखना है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहां पर अब जब नोटिस करोगे तो उच्चतम बिंदु पर जो भी ऊर्जा होगी वो किसके कारण होगी, वो होगी हमारी किसके कारण, u cos थीटा के कारण, और यहां पर जो ऊर्जा होगी वो किसके कारण होगी, u के कारण होगी। तो अगर हम प्रारंभिक ऊर्जा को k मानते हैं वो कितना होना चाहिए, हाफ mu स्क्वायर होना चाहिए, और हम यहां पर जो ऊर्जा है उसको हम लोगों ने k डैश माना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 एम यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की आधी है, मतलब कि k डैश इज इक्वल टू 1/2 k। तो यहां पर जो k डैश है हमारा वो है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज यहां पे छूट गई, क्या, 1/2, ठीक है। ये कितना चाहिए, 1/2 होना चाहिए।
तो ये जो पूरी की पूरी ऊर्जा है उसका 1/2 होना चाहिए, मतलब यहां से cos थीटा इक्वल टू 1/√2। और ये कब होता है बच्चों, when does it happen, it will happen at theta equal to 45 degree। so whenever we have theta equal to pi by 4, that will give you the answer for the given question। जो हमारा ये प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, pi by 4। ठीक है, चलें आगे। चलिए बच्चों, okay, यहां पर देखते हैं। देखो ऐसे जो प्रश्न है बच्चों, आप लोग 100% फंसोगे, लेकिन इसमें एक दो क्लू ऐसी होती है, एक दो चीजें ऐसी होती है कि अगर आपने उसको समझ लिया तो आपका प्रश्न बिना मेहनत के सही हो जाएगा। आपको कोई भी मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए देखिए क्या कह रहा है। 0.1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद एक समान चाल से गिर रही है तो बूंद पर लगने वाला परिणामी बल होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर हम एक चीज देखेंगे बच्चों कि आपको क्या लगता है कि जो बारिश की बूंद गिरती है वो एक समान चाल से चलती है या फिर धीरे 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 तेज होती रहती है। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक क्रिकेट की बॉल ले लो, ऊपर फेंक दो और फिर जब नीचे आ रही तो उसके बारे में सोच लो कि क्या उसका चाल निरंतर बढ़ रहा है या फिर वो एक समान गति से चल रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो जब भी हमारा चाल समान होता है, क्या दे रखा है, चाल कितना है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड एक समान, तो बच्चों एक समान का मतलब क्या होता है कि जो v है, मतलब जो चाल है वो क्या हो जाए, नियत हो जाए। तो जब चाल नियत हो जाएगा बच्चों तो उसका जो त्वरण है वो क्या होगा, शून्य। इसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य। When the velocity is constant, acceleration becomes zero. ऐसा क्यों होता है भाई? Because we know that a is equal to dv/dt. है कि नहीं? तो अगर हमने velocity को differentiate किया time के respect में, तो क्या होगा? Acceleration हमारा zero हो जाएगा. तो जब acceleration zero होगा, तो हमें ये भी पता है कि f is equal to what? Mass into acceleration. So mass into acceleration means it's going to give you how much? Zero. So what is the answer for question number 5? Answer is zero. All right, बच्चों, fine. चला जाए आगे, ठीक है, यहां तक बात। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। All right, चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है। इट says that if momentum of a body increases by 50%, the kinetic energy will increase by. Okay, so we are changing the momentum and then we have to find out the corresponding change in the काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि संवेग में कितना प्रतिशत का बढ़ा हुआ है भाई, 50%। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें एक ट्रिक है, मतलब आप लोगों को ध्यान देना होगा, जब भी प्रतिशत के सवाल आते हैं, जब भी प्रतिशत के प्रश्न आते हैं, तो आपको दो चीज ध्यान देना होगा कि प्रतिशत बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो ये 50% तो बहुत होता है भाई, 50% is a huge amount, all right? तो जब ये 50% हो गया तो हमें क्या करना है, इसके लिए अलग तरीके से सॉल्व करना है। जो भी प्रारंभिक मान दिया हुआ है, इसमें दो केस है, एक तो 50% बढ़ाने से पहले का और एक 50% बढ़ाने के बाद का। तो दो केसेस जब दिया हुआ है तो हमें क्या करना है कि पहले वाले केस में जो मान दिए गए हैं उस मान को हम लोग क्या लेंगे, 100 लेंगे, और जो बाद में है, जो घटेगा जो बढ़ेगा वो हमें ले लेना है। ठीक है, तो करके देखते हैं हम लोग इस प्रश्न को। चलिए, तो आप लोगों को एक संबंध याद होगा कि जो पी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 2m के। तो यहां पर ना तो दो बदलने वाला है ना तो द्रव्यमान बदलने वाला है, क्योंकि 2 विल रिमेन कॉन्स्टेंट और इसका द्रव्यमान भी नियत रहेगा, मास ऑल्सो विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अब क्या है कि जब ये दो केस होते हैं तो हम इसको लिख लेंगे P1 square divided by P2 square is equal to K1/K2। ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये 2m 2m दोनों जगह में कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी वैल्यू
दी गई है। वैल्यू का मतलब कि जो हमें यहाँ पर 50% और बढ़ा है घटा है जो भी है, तो प्रारंभिक मान को क्या लेंगे 100। तो देखो बच्चों, ये जो P1 है हमने क्या लिखा है इसको 100 × 100, और P2 कितना हो जाएगा 150 × 150, K1 कितना हो जाएगा 100, और K2 हमें पता करना है। ये 100 से ये 100 खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो जो बच्चों K2 आएगा वो कितना हो जाएगा 225%। कितना हो गया K2 हमारा 225%। लेकिन what we have to find out, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच 100। सो वी विल डू इट एज, हम लोग इसको क्या करेंगे 225, 225 माइनस 100, तो हाउ मच इट विल कम एज, इट विल कम एज 125%। सो दिस इज द आंसर। और वैसे भी बच्चों, अगर आप इस प्रश्न को समझ लोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। 15 × 15 = 225 पता ही अपना पहाड़ा है ना, अदरवाइज 15 × 15 = 225 एंड माइनस 100, दैट विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर अगर छोटा परसेंटेज आ गया तो क्या करेंगे, 1% आ गया तो क्या करेंगे, आधा परसेंट, तो बच्चों अगले सीरीज में देखेंगे, है कि नहीं? तो अगले सीरीज में ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, हम उन्हें हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न के पास। तो अगला प्रश्न है कि एक कण एक वृत्त में एक समान चाल से चल रहा है। किससे चल रहा है भाई? समान चाल से चल रहा है। व्हाट रिमेंस कांस्टेंट? स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। सो व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज रिलेटेड टू स्पीड? तो देखो बच्चों, ये जो वेग है ये हमारा क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब कि जो वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है तो हर एक बिंदु पर इसकी दिशा बदलते रहती है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और यही हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब वी नियत रहेगा तो डेफिनेटली हमारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, द काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मतलब गतिज ऊर्जा, और दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट, मतलब इट विल रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है क्या बच्चों? इसका जो आंसर है वो होगा काइनेटिक एनर्जी। ऑल राइट बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के पास। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों ग्रेविटेशन का ये प्रश्न है हमारा, और ये जो ग्रेविटेशन का प्रश्न है पढ़ने में तो लंबा है, पढ़ने में तो लंबा है, लेकिन ये बड़ा आसानी से हल हो जाएगा। तो आप लोग इसे देखो, लिखा हुआ है कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ये तो हमें भी पता है भाई, इसकी चाल होगी। ठीक है, इसकी चाल होगी। तो देखो बच्चों, जब वो कोई भी ग्रह किसी सूर्य के मतलब किसी सूर्य मतलब किसी भी तारे के, तो हम अपने ही सौर मंडल की बात करते हैं, सूर्य हमारा यहां है। ठीक है, तो यहां पर जब ग्रह रहेगा, द प्लैनेट विल रिमेन हियर, तो यहां से दूरी ज्यादा है और यहां से दूरी कम है। तो एक चीज आप लोगों को पता होगी कि अगर प्लैनेट की गति हो रही मतलब ग्रह की गति हो रही तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है भाई? कोणीय संवेग। ठीक है, तो जो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? mvr, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, ग्रह का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाएगी? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी दूरी के। मतलब दूरी कम है तो चाल ज्यादा होगी, और दूरी ज्यादा है तो चाल कम होगी, है कि नहीं बच्चों? तो आप लोग इस बात से जज कर सकते हो कि अगर अधिकतम हो तो क्या इसकी चाल होगी? अधिकतम जब यह सूर्य के सबसे निकट होता है, मतलब कि जब वो सूरज के पास होगा तो तेज घूमेगा, है कि नहीं? ऑल राइट, चलिए बच्चों, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लेना, सोच लेना कि ऐसा क्या है इस प्रश्न में। अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, इट्स स्पीड इज, ठीक है?
तो मैक्सिमम व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन। ऑल राइट, तो बच्चों कभी मैं हिंदी पढ़ रहा हूं, कभी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी भी बच्चों के साथ पक्षपात कर रहा हूं। ऑल राइट, ऐसे ही है, मतलब फ्लो में ऐसे आ जा रहा है और कुछ नहीं। चले बच्चों आगे प्रश्न के पास, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर क्या है कि पानी से भरा एक नाद किसी स्प्रिंग तुला पर रखा है, यदि हम नाद को छुए बिना पानी में अपना हाथ डालते हैं तो तुला का पाठ्यांक में परिवर्तन होगा। ठीक, चलिए, तो आपको ऐसे सोचना है कि ऐसे कोई एक कटोरा टाइप का या फिर नाद, तो समझते हो गए यार गांव वाले बच्चे, है ना, चरनी बोलते, चरनी जिसमें गाय भैंस को चारा देते हम लोग। तो ऐसे कोई एक तराजू है, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो बोल रहा है कि हम लोग अपना हाथ इसमें ऐसे रखते हैं कि हम लोग ना ये नाद को छू नहीं रहे हैं। ओके, व्हाट एवर द ट्रफ वी हैव, व्हाट एवर द बाउल वी हैव, वी आर नॉट टचिंग द बाउल। ऑल राइट, सो जब हम उसमें हाथ रख रहे हैं बच्चों, तो क्या बोल रहे हैं ना कि लाइक जो इसका पाठ्यांक है, मतलब वो जो रीडिंग दे रहा है, जो ये बता रहा है, ठीक है, स्केल पे, तो वो बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, यही पूछा जा रहा है इसमें। ऑल राइट, अच्छा, तो आपको क्या लगता है, अगर आप पानी पे हाथ रखोगे तो कहीं ना कहीं आप पानी को दबा रहे हो, है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप पानी को तो दबा रहे हो ना भाई। तो जब आप पानी को दबाओगे तो वो बल कहाँ लगेगा, पानी के थ्रू, मतलब पानी के रास्ते से होते हुए वो सीधा चला जाएगा तराजू के पास, तो तराजू क्या करेगा भाई, रीडिंग बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उसका जो पाठ्यांक होगा, जो तुला का पाठ्यांक होगा, जो वे मशीन का रीडिंग होगा, दैट विल इंक्रीज। इज इट क्लियर? चलो बच्चों, ठीक है, आप लोग ध्यान देना, ऐसे ऐसे सवाल बहुत, मतलब सीधे साधे सवाल हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, एक द्रव घूम रहा है, जब यह घूमना बंद करता है तो द्रव के स्थिर अवस्था में आने का कारण है। अ लिक्विड इज स्टीयर्ड, व्हेन स्टीयरिंग इज स्टॉप्ड द लिक्विड कम्स टू रेस्ट। तो स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है, मथना, मथनी पता है, मतलब ऐसे ऐसे घुमाओ, फिर रोक दो उसको, फिर धीरे 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 पानी सुस्त हो जाता है, पानी रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, पानी क्यों रुकेगा, घर्षण के कारण लगेगा, मतलब घर्षण के कारण रुकेगा, और जो पानी में लगने वाला घर्षण है उसका नाम क्या है, श्यानता, व्हाट इज दैट, विस्कोसिटी। क्या है बच्चों, विस्कोसिटी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। ऑल राइट, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही है, विस्कोसिटी का ऑप्शन सही है, श्यानता का ऑप्शन सही है, क्योंकि वो पानी के दो सतहों के बीच में घर्षण बल लगने लगता है। ठीक है, द मतलब लाइक द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। तो वहीं से आ जाएगा हमारा क्या, विस्कोसिटी। चलिए आगे का सवाल, एक पाइप से पानी का बहाव हो रहा है, जिस वेग तक बहाव धारा रेखीय होगा। ठीक है, मतलब वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ वेरी नैरो ट्यूब, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर बिलो व्हिच द फ्लो रिमेंस अ स्ट्रीम लाइन फ्लो इज नोन एज। तो धारा रेखी प्रवाह का बच्चों मतलब क्या होता है कि जो हमारा द्रव है वो शांति से चल रहा है ना, उलट पुलट के नहीं चल रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब धीरे धीरे पानी गिरता है ना, तो एकदम ऐसे शांति के साथ गिरता है कि ऐसा कभी पता ही नहीं चलता कि पानी भी गिर रहा है कि नहीं, एकदम धीरे धीरे धार से। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं धारा रेखीय प्रभाव। तो कभी कभी पानी का टोटी हम खोलते हैं ना, तो थोड़ा सा खोलते हैं तो एकदम आराम से पानी आता है, लेकिन जब पूरा खोल देते हैं तो पूरा, मतलब उसका जो पानी का बहाव है उथल पुथल भरा हुआ होता है, उथल पुथल भरा हुआ होता है। तो क्या होता है ना बच्चों कि कुछ देर के लिए उसका जो प्रवाह होता है धारा रेखीय रहेगा, उसके बाद वो तूफानी हो जाता है, मतलब उथल पुथल वाला हो जाता है। तो धारा रेखीय और तूफानी होने के बीच में एक जंक्शन आता है, एक जोड़, मतलब एक जगह आता है, एक वेलोसिटी आती है, एक चाल आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं क्रांतिक वेग। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रांतिक वेग, विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रांतिक का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ बदलाव हो जाए, जहां पर कुछ बदलाव हो जाए, तो वो हमारा क्या रहेगा,
क्रांतिक मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, इज दैट क्लियर? फाइन, आप लोग ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगी अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ऑलराइट? चलिए चलते हैं बच्चों अगले सवाल के पास, एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो इज वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन इट इज, ऑलराइट? सो साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है श्यानता पर, प्लवन पर, प्रत्यास्थता पर, पृष्ठ तनाव पर. सोप्स क्लीन सर्फेसेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी, सर्फेस टेंशन. तो बच्चों आप लोगों ने यह भी चीज पढ़ा होगा कि हम सर्फ क्यों यूज करते हैं, साबुन क्यों यूज करते हैं. तो इसका जवाब यह है कि पानी के पृष्ठ तनाव को घटाने के लिए, क्योंकि पानी का जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो पानी कपड़े के कोने कोने में पहुंच जाएगा, और जब वो कोने कोने में पहुंचेगा तो गंदगी को अच्छे से साफ कर सकता है. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? पृष्ठ तनाव पर. ऑलराइट, मतलब अगर हम किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का पृष्ठ सॉरी किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव घटाना है तो हम उसमें सर्फ घोल दें, साबुन घोल दें. तो कुल मिला जुला के सर्फ साबुन यूज करने का साइंस साइंटिफिक रीजन यही है, ठीक है? वो तो बाकी टीवी में दिखाते हैं ना, डेटॉल से नहा लो कीटाणु मर जाएंगे, तो वो अलग बात होती है, ठीक है? बट जो साफ सफाई करने का मेन मुद्दा है हमारा, वो क्या है? पृष्ठ तनाव. पृष्ठ तनाव घटाया जाएगा तो पानी छोटे छोटे गहरे छोटे छोटे गहराइयों तक, छोटे छोटे कोने तक आराम से पहुंच पाएगा, और पानी ही सफाई करने के लिए एनफ है, पानी ही सफाई करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते पानी सही जगह से पहुंच जाए. ओके, चलिए अगला सवाल बच्चों हमारा. तो यहां पर इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. बोल रहा है कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 20 ग्राम भाप को 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होगी. तो यह हमारा थर्मोडायनेमिक्स का प्रश्न है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन अप व्हेन 20 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंडेंस्ड एंड कूल्ड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. कूल्ड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप है हमारा, हम क्या करेंगे, भाप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाते 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 कहां तक लेके आ रहे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है बच्चों? तो अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो दो चीजें होंगी. ये जो हमारा भाप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, स्टीम है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कहां बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है? क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा. कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां पर कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होगी जिसको हम लोग बोलेंगे Q1. अब फिर जब यहां से यहां तक पानी आएगा कहां तक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो यहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में मान लेते हैं कि ऊर्जा कितनी निर्मुक्त होगी, Q2. तो ये जो Q1 होगा ये लिखा जाएगा ml, और ये जो Q2 है वो लिखा जाएगा हमारा क्या, mc डेल्टा t. तो हम जो टोटल ऊर्जा की बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2. तो इस प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस होगा बच्चों वो होगा हमारा Q=Q1+Q2. तो यहां पर जो हम बात करेंगे तो जो भाप का द्रव्यमान है वो 20 है, और जो भाप का गुप्त ऊष्मा होता है वो 540, और यहाँ पर 20 ग्राम है, और इसका जो पानी का गुप्त ऊष्मा होगा वो है 1. और देखो बच्चों हम कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री, तो यहाँ तक जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 80, ठीक है? तो अगर इसको हम हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 10800 प्लस दिस विल बी कमिंग एज 1600. अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये आएगा बच्चों हमारा लगभग 11400. तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों? ऑलराइट, ओके. मैं फिर से बता देता हूं, जब भाप को ठंडा किया जाएगा तो भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कुछ ऊष्मा निर्मुक्त कर करके पानी में बदल जाएगा, तो उसको मैंने क्या नाम दिया, Q1. उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर फिर कहां आ जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड
वाटर पे आएगा, यहां पर जो ऊष्मा निर्मुक्त होगी वो होगी हमारी Q2, इसको हम लोग लिखेंगे MC डेल्टा T। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया M into L और यहां पर हो जाएगा ML डेल्टा T। ठीक है, तो L का मान 1 होता है, यहां 80 हो जाएगा, ये 540 और ये 20। ठीक है, तो आप इसको हल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा क्या, ऑप्शन B। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये एक तरह से मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का प्रॉब्लम हो गया, इसमें टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है। चलते हम लोग अगले सवाल के पास। ओके, चलिए अगला प्रश्न। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के संचरण की दर अधिकतम होती है, ठीक है, सो इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज मैक्सिमम। मतलब कि जो ठोस चीजें होती हैं, जो कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, चालक बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो ये सारी चीजें जल्दी गर्म हो जाती हैं, बल्कि पानी, हवा, इन सब चीजों को गर्म होने में ज्यादा समय लगता है। तो हमें ये पता है कि जो चालक होता है उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है बच्चों, चालन के द्वारा होता है, द हीट फ्लोज ड्यू टू कंडक्शन। सो व्हाट इज द आंसर फॉर अस, ऑप्शन ए। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑलराइट, चलिए बच्चों यहां पर देखिए कि समान ताप पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जाओं में अनुपात होगा, द रेशियो ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, द्विक परमाणु गैसेज हैं। ठीक है, क्या है, द्विक परमाणु गैस हैं। तो जब द्विक परमाणु गैस हैं तो हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो ऊर्जा जो हमारी होती है K = F/2 kT। तो K का मान नियत रहेगा, T का मान नियत रहेगा, क्योंकि दिया गया है समान ताप पर। और जो F होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता कोटि, या फिर इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बच्चों, ये हर एक पदार्थ के लिए, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए समान होगी, तो जो हमारा ऊर्जा का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 1:1, एक संबंध है एक, 1:1, बिकॉज दोनों द्विक परमाणु हैं, दोनों का ताप समान है, और जो बोल्ट्जमैन का नियतांक होता है, जो के होता है, वो तो कांस्टेंट है ही। तो जब दोनों समान हो जाएंगे तो हमारा जो रेशियो है क्या हो जाएगा, 1:1। ऑल राइट, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और ओके, सो वी हैव समथिंग फॉर यू, हमारे पास कुछ और है आपके लिए। तो हमारी जो MKC लर्निंग ऐप पे लाइव क्लासेस होती है बच्चों, तो अगर आप लोग MKC की बुक्स मंगाना चाहते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह किया गया है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसे अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि MKC पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाओगे और आप अपना कोर्स चूज करना है कि कौन सी कोर्स के लिए पुस्तक मंगानी है, कौन सी कोर्स के लिए आपको बुक खरीदनी है, आप ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन सिक्योर पेमेंट है, ऑन टाइम डिलीवरी है, फ्री डिलीवरी है, 25% डिस्काउंट भी है। तो इन सब सारी चीजें मतलब आप हमारे कहां से खरीद सकते हो, MKC पब्लिकेशन। ठीक है, तो MKC पब्लिकेशन वेबसाइट पे जाओ, अपने बुक्स ऑर्डर करो और घर बैठे बुक्स मंगा लो और पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहां पर हमारे पास जो सिस्टम है क्या है, वो रुद्धोष्म प्रक्रम में। ऑलराइट, तो यहां पर जब हम बात करते हैं बच्चों, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में या फिर रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, जो हीट में चेंजेस होते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ऑलराइट बच्चों, तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। ऑलराइट, चलिए फाइन, चलते हैं अगले प्रश्न के पास। चलिए अगला जो सवाल है हमारा, एक लोलक का समुद्र तल पर आवर्तकाल 2 सेकंड है, उसकी लंबाई दूनी कर देने पर उसका आवर्तकाल लगभग हो जाएगा, तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, इसके लिए हमें देखना बच्चों T = 2π √L/g। ठीक है, चलिए
तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि मतलब ये पहले दे रखा है 2 सेकंड, ठीक, लेकिन अगर t डैश निकालेंगे तो हो जाएगा 2π 2L/g, ऑलराइट, ओके। तो यहां पर देखो आप, ये हो जाएगा 2π√L/g इंटू रूट टू, रूट टू का मान क्या होता है 1.414, ठीक है। तो ये लगभग कितना हो जाएगा हमारा, ये लगभग 3 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। तो आपको लंबाई देखनी है, लंबाई देख करके आप पता कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो आंसर हमारा क्या बच्चों, लगभग 3 सेकंड के बराबर। ऑल राइट, चले आगे, ओके। अगला जो प्रश्न है बच्चों, ये एकदम हलवा सवाल है आप लोगों के लिए। कहां यूज होता है इसका, जलयान वाहक, बताना है क्या इसको? अरे नहीं बताना है यार, चलें आगे चलते हैं, ओके। इस प्रश्न में हम देखते हैं बच्चों कि डॉपलर का प्रभाव तभी कार्य करता है। तो डॉपलर का प्रभाव जो होता है बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जब स्रोत और श्रोता चलते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके परस्पर जो गति की अवस्था होती है, जो आपेक्षिक गति होती रहती है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो डॉपलर इफेक्ट है वही काम करता है। मतलब क्या, आपेक्षिक गति की अवस्था में जब दोनों एक दूसरे के परस्पर चल रहे हो तभी हमारा डॉपलर का प्रभाव कार्य करता है, ओके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ओके। यहां पर देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाते हैं तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा क्या होगा। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों की जो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है हमारा K Q1 Q2 / R। तो ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो दूरी घटेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, हो गया अपना ऑप्शन, है कि नहीं, ऑल राइट, बढ़ा रहे हैं, मतलब घटा दे जा रहा, ऊर्जा बढ़ती जा रही। चलिए आगे चलते हैं, ओके। संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखे एक आवेश पर बल F लगता है, यदि एक प्लेट हटा ली जाए तो लगने वाला बल होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर जो दो प्लेट होती है तो इस पे आवेश रहेगा सिग्मा, या इस पे भी सिग्मा है, तो बीच में जो विद्युत क्षेत्र होती है वो क्या होगी, σ/ε0। लेकिन अगर एक प्लेट हटा लेते हैं तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, σ/ε0। अगर यहां पर जो बल है वो कितना रहेगा, Q × E, तो यहां पर क्या होगा, F' वो भी कितना होना चाहिए, Q × E'। तो ये कितना है, Q × σ/2ε0, लेकिन यहां पर है Q × σ/ε0। तो आप देख पाओगे ये कितना है, आधा हो जाता है कि नहीं। सो व्हाट हैपेंस, अगर हम लोग एक प्लेट को हटा देते हैं, इफ द वन प्लेट इज रिमूव्ड द फोर्स विल रिड्यूस टू F/2। ऑल राइट, चलिए बच्चों चलते हैं आगे फटाफट, ओके। यहां पर देखिए, जो हमारी कार की बैटरी है, कार की बैटरी में वैद्युत अपघट्य होता है, तो बच्चों सबको पता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, द इलेक्ट्रोलाइट इन अ कार बैटरी इज सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, फाइन। तेज गर्मी के मौसम में मुख्यतः रेगिस्तान में घटित होने वाले दृष्टिभ्रम की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है, द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन हॉट समर इज बेस्ड ऑन, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दैट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही कारण है बच्चों किसका, मिराज का, मृग मरीच का जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मृग मरीच का जो होती है उसका कारण यही है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है बच्चों कि एक दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु 100 सेंटीमीटर है, सुधार के लिए प्रयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी। तो यहां पर हमें यह देखना है कि जब दूर दृष्टि है तो उसके लिए दूरी क्या दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यू को कितना ले लेते हैं, 100 सेंटीमीटर, और जो परिशुद्ध आई, मतलब परिशुद्ध आंख के लिए जो होता है, मतलब बिना चश्मे के लिए जो दूरी देख सकते हैं हम, वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/F = 1/V − 1/U जब हम यूज करेंगे तो यहां पे लिख पाएंगे हम लोग 1/25 − 1/100। तो हल करते हैं बच्चों इसको, ये आ जाएगा हमारा 100, ये होगा 4 − 1 मतलब 3/100, ठीक है।
तो जब पी निकालना है तो पी क्या होना चाहिए हमारा, 1/f, मतलब ये हो जाएगा हमारा 3/100। लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे 100 से भाग देना है, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, प्लस 3 डायोप्टर। सो व्हाट इज द आंसर फॉर अस, द ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी, सो दैट इज द आंसर फॉर अस, प्लस 3 डायोप्टर। ऑलराइट बच्चों, चलते हम लोग अगले सवाल के पास। ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारा आखिरी सवाल है, इसमें ये कहा जा रहा है कि रडार में हम एक्स किरणों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो बच्चों, व्हाई डू वी नॉट यूज एक्सरेज इन द रडार। सो रडार सिस्टम का जो सिद्धांत होता है, किरणें जाएंगी और मतलब जो हमारा टारगेट है वहां से टकराएंगी और वापस आएंगी, लेकिन जो एक्सरे होता है, एक्सरे क्या होती है कि वो लक्ष्य तक तो जाएंगे लेकिन परावर्तित नहीं होंगी। तो जो बच्चों, जो इसका आंसर है हमारा वो क्या है कि ऑप्शन डी, वो टारगेट की तरफ जाएंगी लेकिन वहां से परावर्तित नहीं होती है बच्चों। तो ये आज था हमारा क्या, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए 25 क्वेश्चंस का जखीरा, 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कल्सी के प्लेटफॉर्म पे। आज बच्चों हम लोग फिर से एक मॉडल पेपर करेंगे, और अब की बार मॉडल पेपर ये नेवी का मॉडल पेपर है, और दूसरा मॉडल पेपर हम लोग करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले वाला जो मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर 1 नेवी का, तो अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, फर्स्ट नंबर का जो मॉडल पेपर है। बच्चों फिर से एक बार 15 क्वेश्चन ही आपके नेवी में मैं लेके आया हूँ, और बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो इसे ज़रूर आप बढ़िया अच्छे से और बढ़िया तरीके से आप देखें और समझें, जो एक्सप्लेनेशन भी उसके आदर्श बातें आती हैं उसको भी आप ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन एक बात और है बच्चों, कि जो मैंने लास्ट जब फर्स्ट मॉडल पेपर कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड एनालिसिस की बात किया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, मतलब कितने कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं लगभग, तो नियर अबाउट हमने ये बात किया था, तो उसे आप पहला मॉडल पेपर में उसे भी आप ध्यान रखें। और जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो मॉडल जो है हमारा फर्स्ट वाला, उसको जरूर देख लेंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, हमारे ये नेवी के मॉडल पेपर में जो 15 क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च से संबंधित है बच्चों, और ये दांडी मार्च से संबंधित है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये देखो, उससे रिलेटेड बातें पूछी गई है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो उससे रिलेटेड बातें क्या थी, मतलब किस लिए प्रारंभ, उसके ऑब्जेक्टिव इस तरीके से, उसका पर्पज बच्चे ये जानने की बात हुई है। तो चारों ऑप्शन में देखिए, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए, निजी शासन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर की तलाश अगर हम करें तो ये दांडी मार्च, देखो जब महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था तो उस समय बच्चों जब इन्होंने स्टार्ट किया था 12 मार्च, और ये 12 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था 12 मार्च को, और ये 12 मार्च 1930 को, बच्चों 1930 को इन्होंने साबरमती आश्रम से क्या किया था, ये दांडी मार्च स्टार्ट किया था। साबरमती आश्रम बात करें तो अहमदा में ही ये था बच्चों। तो साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी, ये सूरत के पास बच्चों नवसारी जिला में बच्चों, वहां पे दांडी पड़ता था, तो वहां तक इन्होंने मार्च किया था, लगभग 241 ये मील इतना इन्होंने यात्रा किया, और अपने 78 सहयोगियों के साथ क्या है कि वो यात्रा किए, 78 सहयोगियों मतलब ये 78 लोग जो है, ये लोग क्या हुआ कि ये दांडी मार्च किए, और साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक इन्होंने मार्च किया, और ये बात है 12 मार्च से स्टार्ट किया यात्रा, और 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पे पहुंच गए, और पहुंच करके उस समय इन्होंने नमक कानून, जो सरकार उसमें ब्रिटिश सरकार थी उसके खिलाफ जाके मतलब नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून तोड़ने के लिए बच्चों ये आया हुआ था, और ये नमक कानून, तो इसमें देखिए नमक कानून तोड़ने के लिए
यहां पे सी नंबर ऑप्शन देखिए आप, सी नंबर पे टू ब्रेक द शॉर्ट ला, तो बच्चों सी यहां पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रही दांडी मार्च की बात। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने ये किया और यहीं से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है बच्चों वो स्टार्ट भी हो गया। तो ये आपके महत्वपूर्ण रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं हमारे सैंपल पेपर में जो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर पूछा जा रहा है कि कौन संस्थापक था नालंदा विश्वविद्यालय का। ये नालंदा विश्वविद्यालय बात करें तो बच्चों बिहार में है, बिहार में है, और इसका जो संस्थापक थे वो गुप्त शासक थे। और वो गुप्त शासक कौन थे, देखिए चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इनमें सही उत्तर ये कुमार गुप्त को माना जाता है। ये कुमार गुप्त जो प्रथम वाले थे इन्हीं यही संस्थापक माने जाते हैं ये नालंदा यूनिवर्सिटी के। तो यहां से ही उत्तर आपका ए वाला, ये ऑप्शन ए में कुमार गुप्त फर्स्ट ये हो जाएगा। क्लियर है एकदम। तो देखो बच्चों यहां पे ध्यान रखना, ये नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ना, ये नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, ठीक है। और आज तो इसको मॉडर्न टाइप की यूनिवर्सिटी बना दिया गया, उस समय एंशियंट गुप्ता काल के समय की बात है। तो गुप्ता यहां पे जो गुप्त काल था बच्चों ये, तो गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड का जो फाउंडर माने जाते थे वो श्री गुप्त को माना जाता था। किसको माना जाता था बच्चों, श्री गुप्त को। लेकिन जो रियल फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम, तो उनको रियल फाउंडर के तौर पर जाना जाता, सॉरी चंद्रगुप्त, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा भी तो है, ठीक है, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी में देखिए ये चंद्रगुप्त जो प्रथम है ना ये रियल फाउंडर थे, बाकी जो है श्रीगुप्त फाउंडर माने जाते हैं गुप्ता पीरियड के। क्लियर है एकदम बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला तीसरा नंबर पे क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है बच्चों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी की बात की गई है, जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को शॉर्ट में बच्चों हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं ना, तो ये डीपीएसपी जो है यह मेंशन है भारतीय संविधान के भाग किसमें, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पे सी करेक्ट, क्योंकि चार में ही मेंशन है, चार में मेंशन है। बात करें अगर हम पार्ट टू में क्या है, तो पार्ट टू में नागरिकता से संबंधित है, और पार्ट थ्री जो है बच्चों वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, और पार्ट फोर वाला तो डीपीएसपी हो गया, और पार्ट फाइव की बात करें तो ये यूनियन से संबंधित है, संघ से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति वगैरह कार्यपालिका इन सब की बातें यहां पे की गई हैं। तो बच्चों ये तो रहा एक्सप्लेनेशन हमने आपको कर दिया। हां एक बात ध्यान और रखिएगा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना बच्चों, ये इसको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है, और इसके लिए जो पूरा यहां पे अनुच्छेद है ना भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल यहां पे 36 से लेकर के 51 तक, इसके बीच ये पूरी बात नीति निर्देशक सिद्धांत की गई है। क्लियर है एकदम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है इसका फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में देखिए धुआंधार वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन फिच रिवर। तो देखिए धुआंधार ये जलप्रपात पूछा गया है और बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, और जबलपुर में बच्चों जहां भेड़ा घाट आपने सुना होगा बहुत ही प्रसिद्ध, और ये बहुत ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहां मेला वगैरह लगते हैं बच्चों, तो इसलिए काफी चर्चित है। तो ये नर्मदा नदी पे है यहां पे, तो नर्मदा नदी पे ये आपका ये धुआंधार वाटरफॉल है। तो यहां सही उत्तर नर्मदा नदी वाला ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है एकदम बातें। तो बच्चों वाटरफॉल जो है ये भारत में, जैसे कुछ और भी वाटरफॉल है, जैसे कुंचिकल वाटरफॉल, कुंचिकल कर्नाटक में है, जोग या गरसुप्पा बोलते हैं ये भी कर्नाटक में बच्चों है, जिसे जोग और गरसुप्पा को ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, तो ये कर्नाटक में, और अक्सर ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा धुआंधार वाला कहां पे है बच्चों, किस नदी पे, नर्मदा में है, और किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, और अगला क्वेश्चन बच्चों पांच नंबर पे
जो दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच। देखो ये यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, और मैचिंग में देखो संतोष ट्रॉफी दिया है, फुटबॉल से आगे सामने दिया हुआ है, और पूछा क्या गया है कि सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो देखो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ही संबंधित होती है, तो यहां तो ये सुमेलित है। आगा खां जो ट्रॉफी है ये भी हॉकी से ही संबंधित है, इसलिए बच्चों ये भी यहां पे सुमेलित है। अगला नेक्स्ट सी नंबर पे देखो वाकर कप दिया है, और वाकर कप गोल्फ से संबंधित होता है, गोल्फ जो स्पोर्ट है बच्चों उससे संबंधित है, तो सी वाला भी सही है। डी वाले पे देखो होपमैन कप दिया है, ये होपमैन जो कप है ना ये उसके सामने फुटबॉल दिया है, फुटबॉल, और ये फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये टेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है, तो यहां यही वाला देखो मैच नहीं कर रहा है, डी नंबर ऑप्शन पे मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइव नंबर पे, फाइव नंबर तो ये था, सिक्स नंबर बच्चों देखिएगा, सिक्स नंबर, तो सिक्स नंबर में देखो एक अवार्ड है यहां पे कलिंग अवार्ड, और ये कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है इससे रिलेटेड, और फोर ऑप्शन आप देख रहे हैं, आर्ट है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, नॉन ऑफ दीज है। तो सही उत्तर जो यहां पे होगा वह क्या हो जाएगा, क्योंकि कलिंग अवार्ड के बारे में पूछा गया है, कलिंग अवार्ड साइंस रिलेटेड अवार्ड है, और बच्चों ये साइंस रिलेटेड अवार्ड है, और इसको यूनेस्को द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। एक यहां पे आप इमेज भी नजर आ रही होगी, अल्बर्ट आइंस्टीन की इमेज है, तो ये भी दी जाती है, ये इमेज इसी अवार्ड के थ्रू दिया जाता है बच्चों, मतलब ये एक तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना एक क्वाइन टाइप का देख रहे हैं ना, तो ये भी जो है मेडल एक दिया जाता है इसी अवार्ड के थ्रू यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को। तो बच्चों ये पुरस्कार उड़ीसा राज्य से भी संबंधित है, कभी बीजू पटनायक जो उड़ीसा में कभी मुख्यमंत्री, तो उनसे कभी यह संबंधित अवार्ड था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कलिंग अवार्ड विज्ञान से संबंधित है, यूनेस्को से भी संबंधित है, दिया जाता है बच्चों, और बीजू पटनायक यानी उड़ीसा राज्य से भी संबंधित है, इसे भी आप समझते रहिएगा यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला सेवंथ नंबर में व्हाट इज द नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट, बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम पूछा गया है, बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है ना बच्चों संसद, उसका नाम है, यहां चार ऑप्शन है, तो इसमें सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गेस करिए आप कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर अगर आप तलाश करें, आपने गेस किया होगा तो ये देखा कि ये जाति संसद, ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है, ठीक है ना, तो जाति संसद यहां पे सही आंसर हमारा हो जाएगा, जाति संसद। बच्चों पार्लियामेंट की बात आई है, तो जैसे क्या होता है भारत में, आप देखते हैं कि भारत में हम लोग संसद बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को ये संसद हम लोग बुलाते हैं, तो जो संसद बुलाते हैं इंग्लिश में उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही बच्चों हर देश में देखा जाए ना, तो कुछ देश अपने जो संसद है उनके, उनका उन्होंने नाम रख दिया है, जैसे कुछ मैं खास देशों की बात कर लूं, जैसे इजराइल का नेसेट, अगर इजराइल का हम देखें तो नेसेट बहुत काफी चर्चा रहता है उसकी संसद की, तो इजराइल का नेसेट ध्यान रखिएगा। और हम बात कर लें तो जैसे यहां पे ऑप्शन में देखिए मजलिस दिखा है, मजलिस ईरान का, ये हमें देखने को मिलता है बच्चों। नेशनल पीपल्स असेंबली चाइना की जो संसद के हम देखते हैं पार्लियामेंट है उसका ये नाम है बच्चों। कांग्रेस यहां पे जो डी ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ये कांग्रेस जो अमेरिका की संसद है ना उसका नाम है, उसका नाम कांग्रेस, उसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जैसे हम अपने यहां संसद के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, वैसे अमेरिका की जो संसद है बच्चों उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे क्वेश्चन चले हम, आठवें नंबर पर आपको एक क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, जो ये व्हेन इज द नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, वैक्सीनेशन डे के सेलिब्रेशन की बात है, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं। तो देखो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस मनाते हैं ना वो हम लोग 16 मार्च को मनाते हैं, कब मनाते हैं, हर साल 16 मार्च को, ये देख रहे हैं आप 16 मार्च को मनाते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों इसमें और ऑप्शन जो दिए हैं इनकी भी बात हम कर देते हैं। देखो 15 मार्च दिया है, 15 मार्च को हम लोग क्या करते हैं कि 15 मार्च को बच्चों हम लोग जो है यहां पे देखिए जो आपका वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे ये 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं। और ऑप्शन में देखिए यहां जाइए आप सी नंबर पे देखिए वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे 15 मार्च को हो गया। और ये सी वाला जो ऑप्शन है 15 जनवरी ये हम लोग इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे यानी कि जो आर्मी डे ही हम कहें तो आर्मी यानी थल सेना दिवस। तो थल सेना दिवस बच्चों कब मनाते हैं ये 15 जनवरी को, ठीक है एकदम क्लियर। आगे जो 16 सितंबर ऑप्शन डी में दिख रहा है ये हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस के तौर पर ये देखो 16 सितंबर वाला ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग बच्चों बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमारे एमकेसी पब्लिकेशन बुक्स हैं बच्चों, चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th नंबर में है बच्चों, तो इस पर ध्यान दें, अगर हम जरूर आप इसे ध्यान से देखिएगा कि हमारे पब्लिकेशंस बुक्स हैं बच्चों, तो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स इंटरव्यू के, एसएसबी इंटरव्यू के लिए, फिजिक्स के लिए ये, और बिल्कुल यहाँ पे तो आप इसको विजिट कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों 9th नंबर पे। और 9th नंबर पे वेयर वाज द 47th G7 समिट 2021 हेल्ड इन, देखो ये पूछा जा रहा है कि जो 47वां अभी हाल ही में हुआ है सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन कहां हुआ है यही जानना चाह रहे हैं कि आयोजन कहां हुआ। तो कहां हुआ है ये यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। तो बच्चों यूनाइटेड किंगडम में हुआ है, ये G7 की बात यहां पे आई है। तो G7 के बारे में अगर हम बात करें तो 1975 में विकसित देशों ने एक समूह बनाया था, कौन से देशों ने विकसित जो डेवलप्ड कंट्री थे उन्होंने एक समूह बनाया था 1975 में, वही समूह बच्चों चल करके आज हम उसको G7 के नाम से जानते हैं। कभी ये G8 के नाम से भी जाना जा रहा था जब इसमें रसिया इन्वॉल्व था, लेकिन क्या हुआ 2014 में के बाद बच्चों देखा गया कि रसिया को निकाल दिया गया इस सम्मेलन से, मतलब इस समिट से, इस ग्रुप से, और इस ग्रुप से निकालने के बाद बच्चों ये ग्रुप फिर से G7 हो गया। तो ये G7 का कोई ऑफिशियल हेडक्वार्टर तो बच्चों नहीं है, ऑफिशियल हेडक्वार्टर 1975 में इसकी स्थापना हुई है। और ये देख रहे हैं आप इसका समिट, जैसे अभी 47th नंबर का समिट इसका हुआ है 2021 में, और ये यूके में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में, तो रिसेंटली है इसलिए इसे याद रखें। तो G7 में 7 देश इन्वॉल्व हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आगे 10th नंबर पे बच्चों, देखो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, काला घोड़ा फेस्टिवल पूछा गया है। काला घोड़ा जो ये फेस्टिवल है ना बहुत ही चर्चित फेस्टिवल है बच्चों, और ये किस राज्य में होता है, जो आप देखिए यहां पे ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, नान ऑफ दीच, तो इसमें से कहां होता है सही उत्तर की तलाश करें तो आपको ये दिखेगा कि ये काला घोड़ा फेस्टिवल ये महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में ही होता है। और महाराष्ट्र में बच्चों देखो एक फिगर टाइप का भी थोड़ा दिख रहा होगा, काला घोड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल, यहां इस तरीके से फिगर भी मैंने आपको दिखाया है कि ये जो काला घोड़ा वाला आर्ट फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बच्चों चर्चित रहता है, बहुत ज्यादा वहां प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। भारत में फेस्टिवल बहुत हैं, जैसे आप देखते हैं बिहू फेस्टिवल काफी रहता है असम में, बिहू फेस्टिवल, पोंगल तमिलनाडु काफी रहता है, मतलब काफी प्रसिद्ध यहां पे फेस्टिवल है बच्चों, तो ये भी फेस्टिवल आप ध्यान रखिएगा। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 11th नंबर पे जो क्वेश्चन है बच्चों, WHO बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, देखो WHO बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ये पूछा गया है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं यहां पे जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहे हैं, नेप्ताली बेनेट, नेप्ताली बेनेट, ये अभी
इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। इजराइल के काफी समय से वहां पे प्रधानमंत्री के पद पर बेंजामिन नेतान्याहू थे, लेकिन अब बच्चों वहां पे जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो ये बने हैं नेप्ताली बेनेट। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बेंजामिन जो नेतान्याहू थे काफी समय से बने हुए थे, तो बच्चों अब वहां नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये जरूर आप नाम याद रखें। द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन एक बात आपको और बताएं हम कि इजराइल की बात कर लेते हैं कि इजराइल की, जैसे मैंने कहा ही था कि इजराइल की जो संसद है काफी चर्चित रहती है, नेसेट उसका नाम है, नेसेट। और आपने अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के विवाद भी देखा होगा, तो काफी ये विवादित रहते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े, जिससे दुनिया लगभग प्रभावित होती है बच्चों। लेकिन ये काफी देखा जाए इजराइल एक शक्तिशाली देश के तौर पर हमें नजर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, रिसेंटली हु प्रपोज्ड नैनो लिक्विड यूरिया फॉर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। ये देखो, पहली बार अभी दुनिया में पहली बार क्या हुआ कि नैनो लिक्विड यूरिया तैयार किया गया है। और यह जो तैयार किया है बच्चों, यह तैयार किया है इफको ने। यह तैयार किसने किया है? इफको ने तैयार किया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि नैनो लिक्विड यूरिया भारत में यह तैयार किया गया, दुनिया में पहली बार हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि भारत इसमें आगे निकला हुआ है। और नैनो जो यहां पे लिक्विड यूरिया की बात हो रही है, दरअसल हम इससे प्रदूषण कम कर पाएंगे। आज आप जानते हैं कि यूरिया का ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, बट बच्चों यूरिया यूटिलाइज उतना नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। तो आज नैनो यूरिया लिक्विड अब बना है, इफको ने बनाया है, तो इससे एक तो ये तो फायदा होगा कि मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं, जो यूरिया होगा उसका मैक्सिमम हम यूज कर पाएंगे पार्ट। और दूसरी बात, हम पर्यावरण को शुद्ध बनाने में काफी, मतलब उसको प्रदूषण कम उसका कर पाएंगे, इसमें भी काफी योगदान होगा। तो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये, तो ध्यान रखिएगा यहां पे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, इफको। ठीक है, चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला 13th नंबर पे देखो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ आईएलओ इज। आईएलओ का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईएलओ का फुल फॉर्म, ये आईएलओ बच्चों वही है जो 1919 में जिसका गठन हुआ था और जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये आईएलओ वही है। आईएलओ का जो फुल फॉर्म होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखो, ऑप्शन ए आप अगर यहां ध्यान दो, हाँ ऑप्शन ए ध्यान दीजिए, बाकी और सब में तो बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा है। ऑप्शन ए में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है ना, तो आईएलओ का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको इसका एस्टैब्लिशमेंट बताया है, डेट मतलब सन, और ये जिनेवा आपका ये हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप ध्यान से इसको समझते जाइएगा और भी जो स्टेप आते हैं उसको करते जाइएगा। चलिए 14 नंबर पे जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है, रिसेंटली विच बुक वाज रिटन बाय द फेमस राइटर सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की जब भी कोई बुक आती है ना तो काफी चर्चा में रहती है, और हाल में इनकी एक बुक आई है, जो वो आई है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। क्या आई है बच्चों? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। तो ये काफी चर्चित बुक है, और काफी चर्चित है इसलिए इस बुक को जरूर ध्यान रखा जा सकता है। तो बच्चों यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो सलमान रुश्दी की जो बुक है बच्चों वो कौन सी है? लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ। तो हमारा यहां पे यह करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आगे जो अगला क्वेश्चन है 15th नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सैंपल, जो हमने नेवी का सैंपल पेपर दिखा रहे हैं आपको, इसमें 15 क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन था बच्चों, आपके लिए काफी बेनिफिट है, बेनिफिटफुल है बच्चों, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन भी हम इसका आंसर हम लोग चलिए कर लेते हैं।
Which of the following articles of the Constitution established the Supreme Court as the Court of Records? पूछा ये जा रहा है कि कौन सा वो मतलब अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखी मतलब अभिलेख वाला न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो देखिए हम ये सभी जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अगर इनके द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह अभिलेखी यानी अभिलेख न्यायालय का रूप ले लेता है बच्चों, यानी कि मतलब वो रिकॉर्ड्स हो जाता है, एक तरीके से कानून बन जाता है, आप ऐसे समझे, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पे जो इसका सही उत्तर होगा वो आर्टिकल, देखिए हमारे पास चार आर्टिकल है, 1, 2, 3 वाला है, 1, 2, 4 है और 1, 2, 9 है और आर्टिकल 1, 4, 3 है। तो यहां पे आर्टिकल 1, 2, 9 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 में ही क्या है कि इसी में ये कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड और किसके सर्वोच्च न्यायालय का, इसकी बात यहां पे की गई है। बात बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की है, अगर यही उच्च न्यायालय की बात हुई होती तो उच्च न्यायालय का रिकॉर्ड्स देखा जाए वो अभिलेख न्यायालय का स्थान वो प्रदान कौन सा आर्टिकल करेगा, अगर उच्च न्यायालय की बात हुई होगी तो वह आर्टिकल 251, ठीक है ना। तो वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल 251। तो इसमें उच्च न्यायालय की बात है और इस आर्टिकल में आपका अनुच्छेद ये देख रहे हैं 129, ये सुप्रीम कोर्ट की बात है यानी सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए कुछ आर्टिकल और महत्वपूर्ण हैं जो ऑप्शन में आपके मौजूद हैं। तो यहां देखिए आर्टिकल 123 जो दिख रहा है, 123, ये 123 ये अध्यादेश जारी करने, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना, जो उनको पावर मिलती है संविधान में वह इसी आर्टिकल के थ्रू मिलती है बच्चों। तो इसी आर्टिकल में अध्यादेश जारी करने की पावर की बात है। इस जो आर्टिकल 124 दिख रहा है, इस आर्टिकल में बच्चों, इस आर्टिकल में ये सुप्रीम कोर्ट है ना उसका गठन वगैरह की बात यहां पे की है, स्थापना गठन इनकी बात की गई है। और जो आर्टिकल आपका, इसकी तो हमने बात हो ही गई, यही हमारा करेक्ट आंसर है। और इस आर्टिकल की बात कर लेते हैं 143 की, तो 143 में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से मतलब उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की जो शक्ति है, जो पावर है, यहां बात की गई है। तो उसकी बात बच्चों इसी आर्टिकल में की गई है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा इन सब की बात की गई है कि ले सकते हैं। तो यह आर्टिकल 143 में बात की गई है। तो बच्चों यह रहा हमारे नेवी का जो 15 क्वेश्चन था सैंपल पेपर, वो हमने आपको दिखाया और बेहतरीन क्वेश्चन थे बच्चों, और बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन था जो आपके आगामी जो एग्जाम है नेवी का बच्चों उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी बेनिफिट है बच्चों इससे, तो आप जरूर इसे ध्यान से देखे होंगे। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है मेजर खलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज हम लोग लाए हैं मॉडल पेपर सेकंड, यहाँ हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस लाए हैं बच्चों, सारे क्वेश्चंस बेहतरीन हैं। इन क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों वन बाई वन करके। जैसे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का कोइन डिकोडिंग का है, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी को पता होगा ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा है, यदि पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए और बच्चों सफ़ेद को काला कहा जाए और काला को हरा कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल मिले पूरे सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है दूध का रंग कैसा होता है। और बच्चों हम लोग को पता है कॉमन सेंस से, हम लोग बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, हम सभी को पता है दूध का रंग सफ़ेद होता है। और बच्चों यहाँ सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बच्चों सफ़ेद को काला कहा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, काला, क्योंकि हम सफ़ेद को काला कह रहे हैं जबकि दूध का रंग सफ़ेद होता है और बच्चों सफेद को डिनोट कर रहे हैं काले से, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काला। तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा इस बात का ध्यान देना सिर्फ आपको लास्ट में जाना है और यही देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा सीरीज का एक क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है।
सीरीज के जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चारों ऑप्शन का यूज करते हैं और सारे ऑप्शन ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं किसमें सीरीज बन रही है किसमें नहीं बन रही है। लेकिन बच्चों देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो बच्चों जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए आप सबसे पहले ये देखो ज्यादा लेटर्स कहाँ दिए गए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लेटर दिया गया है पी जेड वाई दिया गया है, तो एक बात कंफर्म हो गया बच्चों, जब भी सीरीज बनेगा वहां पर पी जेड वाई जरूर आएगा, जो भी सीरीज बनेगा वहां पर पी जेड वाई जरूर आएगा। और बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ यक्स है और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर पी है और यहाँ पर यक्स है, तो इसका मतलब है बच्चों यक्स के बाद क्या आता है, जेड वाई आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम यक्स के बाद वाई को इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि हमें जो भी ऑप्शन मिल रहा है या वाई वाई से मिल रहा है और यहाँ यक्स यक्स से मिल रहा है, तो यक्स के बाद यक्स ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक सीरीज बन जाएगी यक्स वाई पी जेड वाई, तो फिर यहाँ पर बच्चों हम यक्स वाई अगर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, वही चीज बन जाएगा जो हमारा सीरीज पहले बना है यक्स वाई पी जेड वाई। और बच्चों वही काम करना है, यक्स वाई फिर से रख देना है, तो यक्स वाई रखने के बाद क्या बन जाएगा, यक्स वाई पी जेड वाई। तो बच्चों देखो किस ऑप्शन में है, वाई जेड यक्स वाई यक्स वाई, वाई जेड यक्स वाई यक्स वाई, बच्चों डी ऑप्शन में है और यही हम लोग का आंसर है। बच्चों अभी हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ए हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है। बच्चों इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना होता है जो कि आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन हम लोग का डायरेक्शन से है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है एक मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है, और जब भी हम डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें दिशा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और हम सभी को पता है बच्चों इसे हम लोग नॉर्थ कहते हैं यानी उत्तर कहते हैं, और इसे हम लोग दक्षिण कहते हैं, इसे हम लोग बच्चों पूर्व कहते हैं, और इसे हम लोग पश्चिम कहते हैं यानी वेस्ट कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा दिशा हो गया नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ और बच्चों ईस्ट और वेस्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखते हैं अभी से हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है, अगर बच्चों मकान का दरवाजा उत्तर की ओर है और हम और मकान में घुसने पर दाएं हाथ में एक कमरा है, जब आप मकान में एंट्री लेंगे तो बच्चों आपका मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। मकान में घुसने पर दाएं हाथ पर राइट में आएंगे तो बच्चों ए आपका राइट हो जाएगा, एक कमरा है, इसके राइट में क्या है, एक कमरा है, और कमरे में घुसने पर बाएं हाथ पे एक खिड़की है, तो बच्चों इसके बाएं हाथ पे आएंगे, बिकॉज हम लोग को पता है कि जब हम कमरे में जाएंगे तो ए हम लोग का राइट हो जाएगा, ए हम लोग का लेफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमें लेफ्ट में आना है और यहाँ पर एक खिड़की है, और फिर कह रहा है यदि मैं खिड़की की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, खिड़की के साइड में मुंह करके खड़ा रहूंगा तो मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, बच्चों जाहिर सी बात है अगर आप इस दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो दिशा कौन सी है, दक्षिण है, और इस तरीके से हम लोग का आंसर हो जाएगा दक्षिण यानी बच्चों साउथ हो जाएगा। तो बच्चों आई होप कि क्वेश्चंस आप क्लियर कर रहे होंगे अच्छे से। अभी हम लोग चलेंगे बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन पे, यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 4:25 हो रहे थे, अगर दर्पण में बने घड़ी का प्रतिबिंब किसी दूसरे में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दर्पण में प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। बच्चों बता दें यहाँ पर एक घड़ी में आपको समय दे रखा है 4:25, ये आप एक दर्पण में देख रहे हैं, दोबारा जब इसे आप मिरर में देखेंगे तो फिर हमारा मिरर का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, और मिरर का कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों कहीं से भी कुछ भी आपको समय दिया रहे सेकंड में करने के लिए, बस आप 11:60 में से वही टाइम घटा देना जो टाइम आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ हम लेस करेंगे बच्चों हमारा 7:35 यानी 7:35 हम लोग का आंसर आ जाएगा, ऐसा किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो बच्चों याद रखना जब भी घड़ी का सवाल आए 11:60 याद रखना बच्चों, उसी में से आप वही समय घटा देना जो आपको समय दिया रहेगा, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर कह रहा है अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, ठीक है बच्चों यहां राम का सिक्का है और एक मोहन का सिक्का है, तो राम का सिक्का कैसा हो गया बच्चों, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। बच्चों राम का सिक्का जो है यहाँ पर राम का सिक्का है और यहाँ मोहन का सिक्का है, तो राम का सिक्का कैसे हो गया बच्चों, मोहन के सिक्के से भारी हो गया। फिर कह रहा है कि और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, राम का सिक्का बच्चों मोहन के सिक्के से भारी है, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान का मतलब ये हुआ कि राम का सिक्का रमेश के सिक्के से भी अधिक भारी है,
अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्यवान के होते हैं, ऐसा हमें पहले ही कहा गया है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। बच्चों नरेश का सिक्का राम से भी अधिक मूल्यवान है, तो नरेश का सिक्का क्या हो गया, राम के सिक्के से भी बड़ा हो गया, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। इसका मतलब योगेश का सिक्का बच्चों नरेश के सिक्के से भी क्या हो गया, भारी हो गया। योगेश का सिक्का अभी सबसे भारी है। रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है। ठीक है बच्चों, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही इनको बड़ा बना रखा है। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, जिसका सबसे भारी सिक्का उसी का सबसे मूल्यवान सिक्का, बच्चों योगेश का सिक्का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऑर्डर है सीक्वेंस का, हमेशा आपको यही करना है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कर पाएंगे बच्चों, और मुझे लगता है कि आप लोग जब ऐसे करेंगे तो अपना समय भी बचा पाएंगे और क्वेश्चंस को बहुत बेहतर तरीके से सटीक आंसर दे पाएंगे। बच्चों हम लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए पाशे में लाल के विपरीत फलक पे कौन सा रंग आएगा। बच्चों रेड के अपोजिट में बताना है। हम सभी को पता है डायरेक्ट, अगर आप लोगों ने डाइस पढ़ा होगा तो वहां पर डाइस का नियम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर ले लीजिए और आप थर्ड फिगर ले लीजिए बच्चों, तो यहाँ पर गुलाबी देखो यहाँ भी है, गुलाबी यहाँ भी है। अगर बच्चों कभी भी सेम फलक पे सेम नंबर मिल जाए, सेम फलक पे सेम कलर मिल जाए, तो इस फलक का आंसर यही हो जाएगा और इस फलक का आंसर यही हो जाएगा। यानी हरा का विपरीत नीला हो जाएगा, लाल का विपरीत पीला हो जाएगा। और बच्चों आपसे पूछा गया है पासे में लाल रंग के विपरीत पे कौन सा रंग आएगा, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, पीला हो जाएगा। सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। हरा का पूछता बच्चों तो हरा का नीला हो जाता, एक सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। और ऐसे एग्जाम में बच्चों आप सारे क्वेश्चंस को जब करेंगे तो बहुत कम समय हो जाएगा। बच्चों आप सभी को पता है एमकेसी लर्निंग ऐप के बारे में, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आपको ऑफलाइन क्लास मिलती हैं, चाहे डाउट काउंटर हो, रिकॉर्डेड लेक्चर हो, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट हो, नोट्स हो बच्चों एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। और 25% का डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, अभी इसे आप परचेज कर सकते हैं, बेहतर होगा बच्चों। तो बच्चों अभी 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों सिटिंग अरेंजमेंट का है। जब भी सवाल मिले पूरे सवाल पढ़ने की कोशिश कभी मत करो। यहाँ पर आपको कुछ नाम दिया गया है और बोला गया है केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वृत्त में बैठे हैं। बच्चों 8 लोग हैं, 8 लोग को इस तरीके से बनाओ, वृत्त कभी मत बनाओ। सवाल सॉल्व करो, सेकंड में होगा। बच्चों डी जो है यच के बाएं दूसरा है। हम सभी को पता है अगर हम केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं तो ये हमारा बायां साइड होता है और ये हम लोग का दायां साइड होता है। हमसे कहा गया है बच्चों डी एच के बाएं दूसरा है, डी को कहीं बैठा दो, एच के बाएं दूसरा कर दो। डी कहाँ हो गया बच्चों, एच के बाएं दूसरा हो गया। जो ए के बाएं तीसरा है बच्चों, जो ए के बाएं तीसरा है, जो का सेंस हमेशा लास्ट पर्सन के लिए होता है, लास्ट पर्सन यहाँ पर बच्चों एच है। तो जो ए के बाएं तीसरा है यानी ए को यहाँ बैठा देंगे, ए के बाएं तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे बच्चों बी सी के दाएं चौथा है, बी जो है बच्चों सी के दाएं चौथा है, तो सी के दाएं चौथा बनाना है। तो बच्चों सी को यहाँ बैठा दो, बी को यहाँ बैठा दो, जो प्लेस खाली है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो बच्चों बी कहाँ हो गया, सी के दाएं चौथा हो गया, क्योंकि ए इसका राइट होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आगे देखते हैं बच्चों जो यच का पड़ोसी है, तो जो का सेंस बच्चों हमेशा लास्ट पर्सन के लिए, लास्ट पर्सन सी था और सी क्या हो गया, यच के पड़ोस में हो गया, जो कि ऑलरेडी पहले से ही बैठा है। तो चीजें सही है बच्चों, जी बी और सी का पड़ोसी नहीं है, अच्छी बात है भाई। जी जो है ना बी का पड़ोसी है, ना सी का पड़ोसी है, ना तो बी के पास में रहेगा ना तो सी के पास में रहेगा, तो जी को यहां बैठा दिया। आगे पढ़ते हैं, यफ बी के पड़ोस में नहीं है बच्चों, यफ बी के पड़ोस में नहीं रहेगा तो यफ कहाँ रहेगा, जो प्लेस बचा हुआ है वहां रहेगा, और यहाँ पर जो बचा उसको हमने यहाँ बैठा दिया, यानी ई को यहाँ बैठा दिया। यही एक प्लेस बचा था और यही एक पर्सन बचा था। किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम दाएं बैठा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के राइट में है, ऐसा हमें देखना है। बच्चों पहला ऑप्शन है डी जी, तो डी कहाँ है, जी के बाएं है ना कि दाएं है, तो गलत आंसर बी ई। तो बच्चों बी जो है ई के दाएं है, और यही हमसे कह रहा था किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के एकदम दाएं बैठा है, तो बी ई के दाएं है, यही हमारा आंसर है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का आंसर है। एंड आई होप कि बच्चों आप लोग को ये सारा सवाल क्लियर हो रहा होगा। आप देख रहे हैं बच्चों इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन हम लोग कितने कम समय में कर पा रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, बच्चों एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, एक पर्सन है जो एक स्त्री का परिचय दे रहा है और उसके बारे में कह रहा है, उसकी माता यानी इस स्त्री की माँ,
उसकी माता मेरी सास की बेटी है, मेरी सास यानी इस व्यक्ति की सास की इकलौती बेटी है। बच्चों सोचिए क्या कह रहा है सवाल। एक स्त्री को परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो मेरी सास की जो इकलौती बेटी होगी वो कौन होगी, वो मेरी पत्नी होगी। जो उसकी माँ है वो मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी उसकी माँ मेरी पत्नी हो गई, यानी जो स्त्री है वो मेरी पुत्री है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या संबंध है? बच्चों व्यक्ति जो है इसका पिता होगा और ये पुत्री होगी, तो पिता हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब एग्जाम में आएगा बच्चों इसी स्पीड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों यहाँ नंबरिंग गलत है, आप ए मॉडल पेपर सेकेंड आ गया और सेकंड का बच्चों नंबरिंग गलत है, तो आप नंबर पे मत जाना। 8 नंबर सवाल अभी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है, 8 नंबर के बाद बच्चों 9 नंबर होना चाहिए था। तो कोई इशू नहीं है बच्चों, नंबर से नहीं मतलब, हमें सवाल से मतलब है, हमें सवाल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सेकंड में सॉल्व करते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हमारा किससे है बच्चों, नॉन वर्बल से है। इस फिगर को हमें देखना है, ये फिगर किस फिगर में शामिल है बच्चों। जब पहला ही फिगर आप देखेंगे, देखिए पहले ही फिगर में आपको सेम फिगर यहाँ पर मिल जा रहा है बच्चों, तो हमें दूसरे फिगर के बारे में सोचने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, पहला ही फिगर हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे ऑप्शन में बच्चों कभी अगर एग्जाम में आप बैठते हैं और ऐसा अगर आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जा रहा है तो अपना समय कभी बेकार मत करिएगा, दूसरे पे आप मत जाइएगा बच्चों। यहां नंबरिंग सही है बच्चों, यहां 9 के बाद 10 नंबर सवाल आ गया, 10 नंबर सवाल आ गया। और यहां हमें बताना है यहां पर कितने वर्ग हैं, तो बच्चों जब भी आपका वर्ग का सवाल आ जाए, रेक्टेंगल का आ जाए, तो कुछ नहीं करना, इनकी नंबरिंग कर लेना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, वही नंबरिंग इधर भी करना, 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चों जितना नंबर इधर उतना ही नंबर इधर है, तो इनका स्क्वायर कर लेना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का बच्चों 36, इनको ऐड कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा 36। 4 40 हो गया बच्चों, और 40 और 25 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 और बच्चों 10 जोड़ेंगे तो बच्चों जोड़ लेते हैं 75 हो जाएगा, और 75 में बच्चों अगर हम लोग जोड़ेंगे 16 और, तो यहाँ 6 5 11 और 91 हो जाएगा। 91 बच्चों किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा बच्चों, जोड़ने में गलती मत करना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने मॉडल पेपर के विद इन 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लिए, 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने सारे पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए बच्चों। इसी स्पीड से अगर आपने एग्जाम में सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस आप बहुत कम समय में कर पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे उन क्वेश्चनों के लिए जो क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना सेशन खत्म करते हैं, मिलेंगे हम लोग मॉडल पेपर 3rd में नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद बच्चों, आप सभी को जय हिंद। जहां सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।